सा रिवाइज कर लेते हैं, कल काफ़ी इम्पोर्टेंट लेक्चर था ना, उसका रिकॉर्ड नहीं हो पाया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बताया था यहाँ पे कि जो साइंटिस्ट का नाम बताया था एम एस स्वामीनाथन, क्या नाम बताया था? एम एन स्वामीनाथन। ठीक है, मोनकाम्बो संबा सिवान स्वामीनाथन। ठीक है, और ये कहाँ के रहने वाले थे बताओ? तमिलनाडु, है ना, कहाँ के? तमिलनाडु। और खास बात है कि इनको बोलते हैं फादर ऑफ इंडियन ग्रीन रिवोल्यूशन, है ना। ग्रीन रिवोल्यूशन के फादर बोले तो बोलेंगे नॉर्मन बोरलॉग को। इसको मेडिसिन ले लो ना, जा तुम लिए बाहर से कुछ, और से इंजेक्शन लगवाया तो दबा दिए, इंजेक्शन नहीं, इनके पास इंजेक्शन लगवा लिए होते, कौन इस समय इमरजेंसी में, इमरजेंसी खुली है, इंजेक्शन लगवा लिए होते पीसीएम का, ठीक हो जाता है। इमरजेंसी में जाना चाहिए था तुम्हें, नंबर कितने जाएगा। ठीक है, इमरजेंसी वो इंजेक्शन लगाओ तो ठीक हो जाता है। ठीक है, या मंगवा लेना भी जाके मेडिकल स्टोर से, भी लगवा दें क्लास के बाद। ठीक है, एक पीस मंगवा लेना, लगा देंगे यहीं पर। देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगर हम बात करें कि इसमें जो एम एस स्वामीनाथन, अगर कई चीज़ बताई थी, क्रॉप क्राइटेरिया, इसे कॉन्सेप्ट किसने दिया? एम एस स्वामीनाथन, क्रॉप शेड्यूलो एम एस स्वामीनाथन। ठीक है, और लैब टू लैंड का कॉन्सेप्ट किसने दिया? एम एस स्वामीनाथन ने। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट किसने दिए? एम एस स्वामीनाथन ने। इसके अलावा हम बताया था इसमें कौन से अवार्ड इनको मिले थे, पद्म भूषण, कौन सा? पद्म भूषण के अवार्ड में इनको मिला था। ठीक, फिर हमने बताया था यहाँ पे कि जो हेल्थ के बारे में बताया था यहाँ पे, और हेल्थ का मतलब ये जो हमारा जो होता है ये अफेक्ट करता है किसको, मेंटल लेवल से अफेक्टेड होता है, और मेंटल लेवल जो होता है वो इंडोक्राइन और न्यूरो सिस्टम दोनों को अफेक्ट करता है, बस है कुछ। और फिर हमने चीज़ बताया था यहाँ पे कि जो ऐसा कोई भी पर्सन जिसमें ब्लैक बेल्ट होता है वो हार्ड पर्सनालिटी बिलोंग करता है, और उसको फीवर होता है, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस, क्या बोलते हैं? गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। ठीक है, और इसके बाद जो गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव किसने किया था? विलियम हार्वे ने। और दिया किसके द्वारा गया था? इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट्स के द्वारा, इंडियन आयुर्वेदा और हिप्पोक्रेट्स के द्वारा ये चीजें दी गई थी कि ऐसा कोई पर्सन जिसको ब्लैक बेल्ट होता है हार्ड पर्सनालिटी बिलोंग करेगा, उसका टेम्परेचर हमेशा बढ़ा हुआ रहता है, उसको क्या होता है? फीवर होता है। ठीक, विलियम हार्वे ने थर्मोमीटर से मेजर किया, ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ब्लैक बेल्ट था लेकिन टेम्परेचर बढ़ा हुआ नहीं था। इस तरीके से गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस को डिस्प्रूव कर दिया गया। फिर हमने बताया था यहाँ पे कि जो बीमारियां होती हैं, बीमारियां कई वजह से फैलती हैं, हमने बताया था यहाँ पे, सबसे पहले हमने बताया था जेनेटिक बीमारी। ठीक है, और हम जेनेटिक बीमारी या कंजेनेटल बोल सकते हैं, ऐसी कोई बीमारी जिसको जो जो बच्चा जो है टेम्परेचर कम करा उसमें चल रहा है। हाँ, तो ऐसा कोई बीमारी जो बच्चा जिसके साथ जन्म हुआ हो उसको हम लोग बोलते हैं कंजेनेटल बीमारी या जेनेटिक बीमारी। दूसरा हमने बताया था इन्फेक्शन से, एक बच्चे को दूसरे को भी इन्फेक्शन से हो जाए, जैसे जुकाम वगैरह होता है ना, वायरल फीवर उसे भी हो जाता है। और तीसरा हमने बताया था लाइफ स्टाइल से रिलेटेड बीमारी, यानी कोई भी चीज़ें खाना जो है वो आप प्रॉपर ढंग से साफ सुथरा नहीं खाना खा रहे हो, पानी सही से नहीं पी रहे हो, ठीक है, बिना हाथ में धुले जो है आप जो है खाना खा ले रहे हो, तो उसी वजह से भी ये बीमारियाँ फैल जाती। तो तीन मोड हमने बताया, तीन तरीके से ये बीमारियाँ फैल सकती, बस है कुछ। ये कुछ हमने बताया जो पिछले पार्ट में हमने बताया था, इसके बाद हम करवा देते हैं स्टार्ट। देखो यहाँ, जैसे ये हमने ये पैराग्राफ पूरा हो गया था, है ना, इसके बाद हमें इसके अगला वाला करना था। ठीक, तो हम लोग कॉमन डिजीज इन ह्यूमन ये पढ़ रहे हैं। देखो अब इसके बाद जो है अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग, टॉपिक इसी में। ठीक है, ये हो गया। तो यहाँ देखो हमने सबसे पहले बताया था कि द टर्म हेल्थ, हेल्थ के बारे में क्या बताया गया है, सुनो ध्यान से। हाँ देखो, कह रहे हैं कि द टर्म हेल्थ इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय द एवरीबॉडी, ज्यादातर जो हेल्थ को कोई भी कह सकता है, हेल्थ के बारे में कोई भी बात कर रहा है, सही तरीके से भी कर रहा है, गलत तरीके से भी कर रहा है। ठीक, जैसे मान लो किसी आदमी देखा आपने और वो आपको हेल्दी दिख रहा है, बिल्कुल हट्टा कट्टा तगड़ा है, ठीक है, और बॉडी बिल्डर भी है, दिखने में सब कुछ लग रहा है, आर्मी के जवान जैसा लग रहा है, ठीक है, तो क्या वो अनहेल्दी हो सकता है? कैसे
मेंटली हो सकता है, सोशली हो सकता है, अपने आसपास के लोगों को गाली देता हो, है ना, मेंटली हो सकता है, दिमाग में गंदे गंदे चीजें आती हो, क्या हो गया, मेंटली, तो मेंटली हो गया, और साथ में क्या है, सोशली रूप से वो बीमार हो सकता है। ठीक, वही कहना है यहाँ पे कि हर लोग जो है हेल्थ के स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं, इट इज वेरी फ्रिक्वेंटली यूज बाय द एवरीबॉडी, हाउ डू वी डिफाइन इट, हेल्थ डज नॉट सिंपली मीन्स अब्सेंस ऑफ डिजीज, कह रहे कि हेल्थ का मतलब सिर्फ ये नहीं है डिजीज का अब्सेंट होना, बस में अगर किसी आदमी को अगर डिजीज नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनहेल्दी है, ठीक है, डिजीज है मतलब वो हेल्दी है, अनहेल्दी, अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस यानी फिजिकल रूप से वो फिटनेस उसकी सही है, फिजिकल फिट है, लेकिन वो मेंटली रूप से बीमार है, ठीक है, लड़ाई हो रहा है, सोशल रूप से बीमार है, वही कह रहे हैं यहाँ पे, इट कुड बी डिफाइंड एज, यहाँ देखो यहाँ से जो इसकी डिफिनेशन बताई गई है इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, देखो कह रहे हैं यहाँ पे, देखो तो डिफिनेशन बताई गई यहाँ पे, इट कुड बी डिफाइंड एज, ठीक है, डिफाइन एज स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग, ठीक है, तो कोई भी ऐसा आदमी पर्सन जो क्या हो, कंप्लीट फिजिकल, फिजिकल रूप से ज्यादा सही हो, मेंटल रूप से सही हो, ठीक है, और सोशल रूप से सही हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो मेंटल फिजिकल और सोशल रूप से स्ट्रांग होगा, हेल्दी होगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे फिट, क्या बोलेंगे, वही वास्तव में क्या है, फिट है, फिजिकली फिट है, बीमार वो कह सकते हो उसको, स्वास्थ्य के हिसाब से वो हेल्दी है, क्या है वो, हेल्दी है, क्या बताया, पहला चीज बताया उन्हें फिजिकल, फिजिकल मतलब बॉडी दिखने भी सही लगना चाहिए, कमजोर भी ना हो बिल्कुल, है ना, और मेंटल लेवल पे उसके दिमाग में चीजें गलत चीजें ना आती हो, है ना, और सोशल रूप से अपने आसपास पड़ोस लोगों से दोस्त यार से वो बदतमीजी से बात ना करता हो, है ना, तो क्या हो गया, सोशल रूप से, ठीक, देखो तो ये हम लोग बात करें, तीनों तरीके से सही हो तो हम लोग क्या बोलेंगे कि वो हेल्दी है, वो पर्सन उसका स्वास्थ्य सही है, ठीक है, ये जो डिफिनेशन दी गई थी ये दिया गया था WHO द्वारा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, देखो व्हेन पीपल्स आर हेल्दी दे आर मोर एफिशिएंट, अब फायदा क्या है हेल्दी होने से, जैसे आप हेल्दी होते हो प्रॉपर तरीके से, आप कंसंट्रेशन होगा, कोई काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, कोई काम कर रहे हो, या मान लो डॉक्टर किसी पेशेंट देख रहे हो, डॉक्टर तो खैर हेल्थ का ध्यान रखता ही, जल्दी तो अपना खुद का ध्यान रखता तभी दूसरा कर पाएगा, तो अच्छे से काम कर सकते हो, लेकिन अगर मान लो आप हेल्दी नहीं हो तो आपको पढ़ने में मन नहीं रहेगा, कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगा, पढ़ नहीं पाओगे, है कि नहीं, तो वही कह रहे हैं कि अगर मान लो कोई पर्सन जो है वो हेल्दी होता है ना, उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक रहती है, तो उससे फायदा क्या, देखो कह रहे हैं कि दे आर मोर इफिशियंट, अपना काम जो करेगा बहुत तेजी से करेगा, अच्छे से करेगा, हेल्दी रहेगा, तो एट वर्क जो भी काम कर रहा है वो, ठीक है, चाहे पढ़ाई कर रहा है चाहे और भी कोई काम करता है, तो क्या होगा, अपना काम बहुत ही तेजी से करेगा, अच्छे से करेगा, अदरवाइज बीमार रहे तो प्रॉपर तरीके से कंसंट्रेशन से नहीं कर पाएगा, ठीक, दूसरी बात, दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इससे क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, अगर वो किसी कंपनी में काम करता है या गवर्नमेंट जॉब करता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब का प्रोडक्शन क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं, तो देखो उसमें सही आ रहा है आवाज़ मेरी, आवाज़ देखो मेरे को लगा, देख लो, ठीक है, एक पाँच देख लो बस, ठीक है, क्योंकि कल के लेक्चर में आवाज़ ही नहीं आई बिल्कुल, लगा के वो कर दो, तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो जैसे मान लो कोई हेल्दी है तो क्या होगा, उससे प्रोडक्शन ज्यादा होगा, अच्छा काम करेगा, है कि नहीं, तो चाहे वो गवर्नमेंट जॉब करे तो वहाँ प्रोडक्शन ज्यादा होगा, नॉन गवर्नमेंट है तो वहाँ भी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, यानी उस कंपनी की क्या होगी, तरक्की हो जाएगी, वही कहने मतलब, देखो कह रहे हैं कि इफ दिस इंक्रीजेस प्रोडक्टिविटी एंड ब्रिंग इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमी बढ़ेगी, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, तो कंपनी का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इससे मान लो कोई वर्कर है वो दिन भर में 10 साइकिलें बनाता है सपोज दैट, है ना, तो अगर वो हेल्दी नहीं रहेगा तो 10 साइकिलें नहीं बना पाएगा, दो ही बनाएगा, पांच बनाएगा, तो प्रोडक्टिविटी क्या हो गई, कम हो गई, ठीक, लेकिन अगर वो हेल्दी है तो उससे क्या होगा, वो 10 साइकिल रोज जो टारगेट है उतना बना लेगा, बस में नहीं आ रहा है, कर रहे हैं यार, संतोष जी बुला था, तो मैं सोच रहा हूँ देख लो कल तक, ये थोड़ा सा लेक्चर इंपॉर्टेंट है ना, पिछले जो है इसको वो नहीं कर सकते, ठीक है, तो बाकी तो जो है इसमें लाइव हो नहीं पाएगा, लाइव नहीं है क्या, लाइव नहीं है क्या, ये कैसे करेंगे,
आवाज़ क्लियर आ रही, कैसे बदलेगा? ठीक रहे तो इसे पता नहीं चलेगा, इसका मतलब इसमें कोई लाइव नहीं देख पाएगा, लाइव कुछ नहीं देख पाएगा। अच्छा, तो साउंड वाला देख लीजिएगा। ठीक, देखो आगे समझ गए। तो कहने मतलब ये है कि वो प्रोडक्शन की कंपनी, मान लो हीरो कोई साइकिल है कंपनी है, उसमें काम करता है, दिन भर में 10 साइकिलें बनाता है। 10 साइकिलें बनाना मतलब अपनी पूरी इफिशियंसी लगा के 10 साइकिलें बना लेता है। अब बीमार है कि 10 साइकिलें नहीं बना पाएगा, वो कमजोर रहेगा, थोड़ा सा नींद में रहेगा, है ना। तो ये कह रहे हैं उससे क्या होगा, देखो इकोनॉमी जो है वो घट जाएगी। अगर गवर्नमेंट जॉब में करता है तो हमारी जो देश की इकोनॉमी जो है, ज़्यादातर लोग अगर बीमार रहेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी वो कम हो जाएगी। ठीक है, उतना प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। दूसरी बात करें कि हेल्थ आल्सो इंक्रीजेस लॉन्गेविटी ऑफ पीपल, क्या मतलब इसका, कि कोई आदमी जो हेल्दी रहता है तो उससे उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। 60 साल का है, 70 साल का है, उसकी लाइफ भी बढ़ जाती है। अगर वो हेल्दी रहता है उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी बढ़ जाती है। ठीक, आगे देखो। एंड रिड्यूस इन्फेंट एंड मार्टनल मॉर्टेलिटी। इन्फेंट मतलब जैसे मान लो कोई फीमेल है, ठीक है, तो फीमेल में प्रेगनेंसी हो रही है लेकिन वो हेल्दी है, वो पहले से ही कमजोर है, तो फीमेल ही कमजोर रहेगी, जाहिर सी बात, उसके बच्चे कैसे होंगे, वो भी कमजोर रहेंगे। मान लो फीमेल एनीमिक होगी तो बच्चे भी कमजोर होंगे। वही कहने मतलब है, अगर फीमेल सही होगी तो उसके जो इन्फेंट मतलब उसके बच्चे जो आने वाले हैं वो भी क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। उसी बात करें मैटरनल मॉर्टेलिटी, इसका मतलब जो है कि जो मदर होगी उसकी डेथ अब कम होगी, क्योंकि वो हेल्दी है तो आराम से वो बच्चे में डिलीवरी हो जाएगा, उसका प्रोडक्शन कर सकती है और खुद भी अपना भी कर सकती है। अदरवाइज माँ भी बीमार और बच्चे जो होंगे, जो माँ बीमार है उसके बच्चे कैसे होंगे, वो भी बीमार होंगे। तो ये कह रहे हैं कि जो इन्फेंट की मॉर्टेलिटी जो होती है और जो छोटे बच्चे होते हैं, साथ साथ जो मदर जच्चा और बच्चा है ना, जो मदर की जो मॉर्टेलिटी भी वो भी नहीं होती है, वो उसमें क्या होता है, रिडक्शन होता है। ठीक, अब कह रहे कि अब सवाल ये तो मैंने बताया कि जो हेल्थ होता है इससे क्या क्या फायदे बताए, है ना। अब सवाल ये कि हम लोग इसको कैसे मेंटेन कर सकते हैं, है कि नहीं। देखो जैसे बताया गया यहाँ पे, देखो तो आपको क्या करना चाहिए। तो पहला चीज़ यहाँ बताया गया है कि अगर आपको हेल्दी रहना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा। देखो पहला क्या बताया गया, बैलेंस डाइट, आपको बैलेंस डाइट खाना चाहिए, है ना। और बैलेंस डाइट का मतलब ये हो गया कि आप जो है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, है ना, मिनरल्स, विटामिन, जितना जरूरत है रोज का उतना लेना चाहिए। जैसे आप मान लो स्टूडेंट हो तो आपको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की जरूरत नहीं है, 8-10 रोटी खाने की जरूरत नहीं है, 2-3 रोटी खाने इतना बहुत, बस ना कुछ काम तो कुछ करना है, बस मेज पे बैठना है, पढ़ना है टेबल पे, है ना। तो कहने मतलब जैसा काम होता है उस हिसाब से आपको खाना चाहिए और उस खाने में भी सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल, सारी चीज़ें होनी चाहिए प्रॉपर अमाउंट में, इसको बोलते हैं बैलेंस डाइट। पर्सनल हाइजीन, पर्सनल हाइजीन मतलब होता है आप अपनी साफ सफाई का ध्यान रखिएगा, ठीक है, खाना कोई खा रहे हैं तो हाथ पैर हाथ में धुल के खाइए, और बाहर कहीं खाने जा रहे हैं, मान लो कभी खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है, बाहर खाने जा रहे हैं तो आप देख लो कि बाहर जो खाना बना रहा है कैसा बना रहा है, बहुत गंदगी तो नहीं बना रहा है, तो मान लो गंदगी से बनाएगा तो आप खाओगे उसको तो आप क्या हो जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। जैसे नरेम जो बच्चे रहते हैं, खासकर वहाँ पर बच्चे खूब ज्वाइंटेड वाइंटेड होता है नरेम में, ठीक है, कि खाना बाहर खाते हैं, बाहर कहीं मान लो कुछ जगह अच्छा ही बनता है, कुछ जगह खराब बनता है, खाएंगे तो ज्वाइंटेड बहुत काम है, ज्वाइंटेड हो जाता है। खैर देखो आप कह रहे हैं रेगुलर एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो कह रहे हैं कि उसके लिए क्या करना चाहिए आपको, एक तो पहली चीज़ बैलेंस डाइट खाना चाहिए, मतलब सारी चीज़ें ऐसा खाना हो जिसमें पौष्टिक चीज़ें हों, ठीक है, और दूसरी बात आप जो खाना हो वो साफ सफाई से खाएंगे, पानी साफ सफाई से, और साथ साथ में आपको रेगुलर एक्सरसाइज थोड़ा बहुत करना चाहिए। ठीक, देखो आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो पहला बताया बैलेंस डाइट, और दूसरा बताया पर्सनल हाइजीन, साफ सफाई का ध्यान रखिए, और तीसरा जो है हमारा बताया किसमें, रेगुलर एक्सरसाइज, अगर ये करते हैं तो आप भी क्या रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। ठीक, देखो कह रहे हैं कि टू मेंटेन गुड हेल्थ योगा हैज बीन प्रैक्टिसेस सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत प्राचीन काल से, मतलब प्राचीन काल से योगा का यूज करते रहे लोग, है ना, योगा करते रहे इसी वजह ताकि उनकी हेल्थ जो है मेंटेन रहे, है ना, योगा। तो कह रहे हैं कि योगा हैज बीन प्रैक्टिसेस सिंस टाइम इमेमोरियल। दूसरी बताया यहाँ पे टू अचीव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, ये जो योगा करते हैं उससे फिजिकल फिटनेस भी मिलती है और मेंटल फिटनेस भी मिलती है, जब ध्यान करते हैं आप उससे मेंटल लेवल भी फिटनेस मिलती है और फिजिकल तो मिलती ही मिलती है, वही कह रहे हैं आप। देखो अचीव फिजिकल एंड मेंटल, हमने क्या बताया कि आप जो खाना खाओगे तो उससे आपको फिजिकल लेवल ठीक होगा, ठीक है, क्या होगा, फिजिकल लेवल ठीक होगा, साथ साथ जो कंसंट्रेशन वही करेंगे, जो खाना होता है इस तरीके से खाना चाहिए जिससे कि आपकी जरूरत के हिसाब से, अदरवाइज ढेर सारा खाना खा लोगे उसके बाद क्या होगा, आपको नींद आएगी, आप सो जाओगे, फिर पूरा साइकिल डिस्टर्ब हो जाएगा, दिन में सो जाओगे रात में फिर नींद नहीं आएगी, तो पूरा साइकिल आपको डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक, देखो तो कह रहे हैं कि जो योगा करते रहे लोग उससे क्या फायदा होता था, फिजिकल लेवल भी मेंटेन होता था, मेंटल लेवल भी मेंटेन,
दिमाग में कुछ गलत चीजें नहीं आती थी, दिमाग भी हेल्दी रहता था, ठीक, कंसंट्रेशन मेंटेन रहता था, क्योंकि आप अगर कंसंट्रेशन डिस्टर्ब रहेगा तो आप पढ़ ही नहीं पाओगे, क्योंकि मेन काम क्या है, कंसंट्रेशन का। देखो दूसरी बात कह रहे हैं कि अवेयरनेस अबाउट द डिजीज, जो डिजीज है उसके बारे में अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई बीमारी हो जा रही है तो पता होना चाहिए कि हाँ ये बीमारी है, इसका तुरंत इलाज कराना जरूरी है, अदरवाइज ये फैल जाएगा, इन्फेक्शन होगा, ठीक। डिजीज एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, तो इसके डिफरेंट बॉडी, जैसे मान लो हमने बताया इसके जॉइंटिस के बारे में, जॉइंटिस की शुरुआत कैसे आपको पता ही नहीं चलेगा, जॉइंटिस आपको हुआ भी है, और अगर आपने तेल घी पूड़ी जहीज बार मतलब खा रहे हैं दबा के, तो धीरे क्या हो जाएगा, वो बढ़ता ही जाएगा बस ना, और बहुत बुरे तरीके से फैल जाता है जॉइंट, जॉइंटिस में जान भी चली जाती है, क्योंकि बाइल जो हाइमोग्लोबिन से ज़्यादा टूट जाएगी, आप कमजोर हो जाओगे बहुत ज़्यादा बस ना, तो उस पर थोड़ा सा अगर आपको पता चलेगा, नहीं तो जॉइंटिस करेक्टर आ रहे हैं, पेशाब देख रहे हैं येलो है, पूरा आँखें येलो हो गई है, और वो आप सोते जा रहे हैं, ठीक, कमजोरी से आ गई है, तो मान लो उसमें तुरंत आपको वो सारी चीज़ें छोड़ देनी है, तली बुनी चीज़ें ट्राई किया हुआ सिंपल से खाना, वो खाना रोटी हो गया और आलू का जो भरता बनता है वो खा सकते हो, जिसमें तेल वगैरह ना हो, ठीक है, ज़्यादा खाना तुरंत स्टार्ट कर दीजिए। क्यों ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फैट जो हमारा जो जो बाइल पिग, इसके लिए चाहिए होता है बाइल पिगमेंट, जो फैट वगैरह खाओगे उसको क्या नाम है तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए, बाइल साल्ट चाहिए, क्या चाहिए, बाइल साल्ट चाहिए, तो जो साल्ट होता है वो उसको ब्रेक करता है इसको फैट को, ठीक है, और बाइल निकलता कहाँ से है, लीवर से है, और लीवर क्या है, डैमेज है, जो चीज़ डैमेज है उसको आप उससे और काम करा रहे हो तो क्या होगा उसका, और ज़्यादा डैमेज हो जाएगा, है कि नहीं, तो इसलिए जैसे आप बीमार हो तो ज़्यादा आपसे काम नहीं कराना चाहिए, मतलब आपको दौड़ा दिया 80 किलोमीटर, ठीक है दौड़ जाओ, तो आप क्या हो जाएगा और बीमार हो जाओगे, वही करें लीवर जो है ऑलरेडी डैमेज है, तो हमें क्या काम करना है, उसको ज़्यादा काम उससे नहीं करवाना है, अगर नहीं करवाना तो उसके लिए उसका जो जो काम क्या है, फैट को डिजोल्व करना, उसको डाइजेस्ट करना, तो आप वो चीज़ें आप खाओ मत, खाने में नहीं होगा तो लीवर का काम कम करना पड़ेगा बस ना, अगर फैटी चीजें खाओगे तो उसको लीवर काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसको बाइल साल निकालना पड़ेगा, ठीक, नहीं खाओ तो नहीं निकालना पड़ेगा। देखो कह रहे अवेयरनेस अबाउट डिजीज, तो डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक, देखो एंड जैसे जुकाम हो गया, ठीक, जुकाम को पता है नॉर्मली आप दवा लो चाहे ना लो, लेकिन एक हफ्ते से ज्यादा, एक हफ्ते के अंदर ठीक हो जाता है अपने आप, ठीक है, कि हमारी एंटीबॉडी उतना काम कर लेती है, तो आपको पता है, तो आप दवा लोगे तब भी ठीक, नहीं लोगे तब भी ठीक, ये कुछ बीमारियों में आपको इसे जॉइंटिस वगैरह इसमें आपको दवा लेनी पड़ेगी, अदरवाइज चीज़ें बहुत फैल जाएगी। एंड देयर इफेक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी फंक्शन, वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट इन्फेक्शस डिजीज, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, कहीं जो अगर वैक्सीनेशन होता है, जैसे मान लो पोलियो को वैक्सीन होता है बच्चों को लगाया जाता है, बहुत सारे DPT के टीके लगाए जाते हैं, ठीक, किसी कुत्ते ने काट लिया उसका एंटी रेबीज वैक्सीन लगता है ना, तो वही कह रहे हैं प्रॉपर वैक्सीनेशन लगना चाहिए। दूसरी बात कह रहे हैं यहाँ पे, जैसे इन्फेक्शस डिजीज प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल है उसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ठीक, देखो कंट्रोल ऑफ वेक्टर एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर रिसोर्स, मेंटेनेंस ऑफ वेक्टर, कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो वेक्टर बॉर्न होती हैं, जैसे मलेरिया की बात करते हैं, ठीक, मलेरिया तो जो वास्तव में जो आपको मलेरिया होता है वो मच्छर के काटने से होता है कि प्लाज्मोडियम से होता है, प्लाज्मोडियम से होता है, हर मच्छर के काटने से मलेरिया नहीं होता है, आसमें कुछ अगर वो मच्छर इन्फेक्टेड है, मच्छर मत बोले मच्छराइन बोले, नहीं मच्छर नहीं काटता है, मच्छर बहुत सभ्य होता है, नहीं मेल हमेशा क्या होते हैं सभ्य होते हैं, जो असभ्य होती है कौन होती है, अच्छा वह कोई है नहीं आज है ना, तो ना देखो तो काटता क्या है, काटती है, तो मच्छराइन जो है वो काटती है, ठीक, देखो यहाँ पे, खैर देखो यहाँ पे, तो ये हम लोग बात कर रहे हैं, तो कहने मतलब ये हो कि जैसे कोई मच्छर है मच्छराइन है, ठीक है, और उसको इन्फेक्शन है किसका, प्लाज्मोडियम का, और वो मच्छर अगर काटेगा तभी आपको मलेरिया होगा, अदरवाइज नहीं होगी, ठीक, जनक अदरवाइज कितने भी मच्छर काट जाए अगर उसके अंदर प्लाज्मोडियम नहीं तो आपको मलेरिया नहीं होगा। वही कह रही हूँ वेक्टर बॉर्न डिजीज, तो ये कौन हो गया, अगर हम बात करें प्लाज्मोडियम का वेक्टर कौन होगा, मच्छर हो गया, मॉस्किटो है ना, जैसे डेंगू हो गया, डेंगू के लिए कौन सा है, एडिस एडिस मॉस्किटो जिसको बोलते हैं टाइगर मॉस्किटो, नाम देखो है मच्छर लेकिन नाम क्या है, टाइगर है ना, तो टाइगर मॉस्किटो बोलते हैं किसको, एडिस को। ऐसे क्यूलेक्स होता है, जो एडिस मॉस्किटो होता है वो डेंगू को ट्रांसफर करने का काम करता है, डेंगू को ट्रांसफर करने का काम करता है, यानी वेक्टर तरह काम करता है, जो क्यूलेक्स होता है वो फैलाता है क्या, फाइलेरियासिस, नाम सुना होगा, ठीक, क्यूलेक्स, तो और जो आपका ये होता है आपका मलेरिया जो होता है ये आपका नॉर्मल जो मलेरिया होता है उसको ट्रांसफर करता है। देखो तो कह रहे हैं जो वेक्टर बॉर्न डिजीज होते हैं उसको भी हमें क्या करना है, अगर ये वेक्टर बीमारी फैलाते हैं तो इन वेक्टर को ही क्या कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए, है ना, जैसे मच्छर की बात कर रहे हैं, इसमें बरसात का सीजन चल रहा है, अब मलेरिया बढ़ने का समय हो गया है,
अब इसमें मच्छर क्या होंगे, वो उनमें ब्रीडिंग प्रॉपर्टी शुरू हो जाती है, और पानी में वो क्या करेंगे अपने अंडे देंगे वहीं पे, ठीक है। और उससे क्या होगा, फिर उससे बहुत सारे मच्छर पैदा होंगे, जब बहुत सारा मच्छर पैदा होगा तो क्या होगा, फिर मलेरिया के चांस ज़्यादा बढ़ जाएंगे। देखोगे अब कह रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, इन वेक्टर को ही खत्म कर दो। कैसे खत्म करोगे, जैसे अब इसमें प्रेजेंट टाइम में कायदे से नगर निगम वालों क्या करना चाहिए, जहाँ जहाँ पानी है वहाँ पर क्या कर देंगे, दवा जो डाल देंगे है ना, दवा छिड़काव कर देंगे, ठीक, दवा डाल देंगे, केरोसिन कुछ नहीं है तो केरोसिन ही डाल दो। केरोसिन क्या है, वो आयल की तरह होता है, तो क्या करेगा, जो पानी के ऊपर एक लेयर बना देती है, इससे क्या होता है, जो अंडे होते हैं उनको सफोकेशन की डेथ हो जाती है, बस में कुछ ऑक्सीजन मिले कि नहीं, सबके सब मर जाएंगे। तो ये कह रहे हैं जो वेक्टर को हमें खत्म कर देना चाहिए, ठीक। देखो यहाँ पे कह रहे हैं कि वेक्टर्स एंड मेंटेनेंस ऑफ हाइजीन इन फूड एंड वाटर। और जो भी आप खाना खा रहे हैं, आप देखो सही खाना खा रहे हैं, कोई सब्जी आप बना रहे हैं घर पे, तो सब्जी को क्या करो आप प्रॉपर तरीके से, सब्जी को काट के धुलना चाहिए कि धुल के काटना चाहिए, हैं, धोके उससे क्या फायदा, दोनों में एक ही चीज है, क्या फायदा है, क्यों विकास क्या फायदा है, हैं, नहीं, तो अगर मान लो काट के धुलने तो क्या दिक्कत, सब्जी डिपेंड करता है, नहीं ये फैमिली कोई कोई भी सब्जी ले लो आप। अच्छा एग्जाम्पल ऐसा ले लिया ना कि मतलब बोल भी नहीं सकते हो, भिंडी ले लिया उठा के, अरे तो ठीक है भिंडी तो मार दिया उसके साथ कंडीशन, और बताओ आलू के ले लो, मान लो आलू के काट के धुल लें, धुल के काट लें, चाय जैसे नहीं, चाय जैसे नहीं काट सकते। देखो तरीका क्या है, पहले कोई भी सब्जी हो पहले उसको धुलना ही चाहिए, पहले धुलो फिर काटो, काट के नहीं धुलना चाहिए। अगर काट के लोगे, मान लो आलू की बात कर लो, अगर काटोगे तो बहुत सारा मान लो आलू इन्फेक्शन है, तो क्या हो जाएगा उसके जो आलू के अंदर वो इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे क्या होगा कि पहले आलू लेके जाओ, पहले खूब अच्छे तरीके से धुल लो, उससे क्या होगा कि आप छिल लो, उसके बाद आप धुल भी सकते हो नहीं भी धुल सकते, आपकी मर्जी, लेकिन पहला काम यह कि सब्जी कोई भी हो पहला काम करो उसको आप धुल लो, तो धुल के हमेशा काटना चाहिए, काट के नहीं धुलना चाहिए। देखो यहाँ पे तीन लोग बात करें यहाँ पे, तो कह रहे जो आप खाना बना रहे हो साफ सुथरा बनाए है ना, और जहाँ खा रहे हैं वहाँ भी देख लें, इन्हें सामने देख लिया बहुत तेजी से बहुत टेस्टी आ रहा है, क्योंकि वो जानवर उसके डालता है कुछ, उससे देसी घी नहीं, थोड़ा सा खीर है तो डाल देता है उसमें, जैसे डालता है उससे महक शुरू हो जाती है, तो यार वो बढ़िया बना रहा है, अब अट्रैक्ट हो गए, पहुँच जाओगे वहाँ पे और पता लगा वो मलेरिया, सॉरी क्या नाम है, कोई भी ऐसी चीज मान लो कि फूड पॉइजनिंग है, हो सकता है कि वो खाना बहुत गंदा तरीके से बना रहा हो है ना, वो जॉइंटिस के लिए हो सकता है बुला रहा हो, तो इस तरीके से चीज़ें हो सकती है। खैर देखो तो कह रहे हैं कि यहाँ पे ये भी देखना चाहिए, जो हम खाना बना रहे हैं वो भी साफ सफाई से होना चाहिए, अगर बाहर खा रहे हैं तो भी देखना चाहिए वो कैसे खाना बना रहा है, आर नेसेसरी फॉर अचीविंग गुड हेल्थ, और इसलिए सब चीज़ें जरूरी है ताकि आपका हेल्थ जो है मेंटेन रहे। ठीक देखो आगे, व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन आर मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन, कहने का मतलब ये होगा कि अगर कोई ऑर्गन अगर डिस्टर्ब होता है, जैसे मैंने बताया लीवर की बात कर रहे हैं, अगर आप जॉइंटिस होगा तो सबसे ज्यादा अफेक्टेड कौन होता है, लीवर, लीवर डैमेज होता है, ठीक, तो कहने अगर लीवर डैमेज होगा तो बाकी जो ऑर्गन है उन पर भी फर्क पड़ेगा, बस ना कुछ, तो क्योंकि हमारा ऑर्गन जो होता है एक दूसरे से इंटर कनेक्टेड होता है, ठीक, तो देख लेते हैं जरा उसकी बात। तो ये कुछ बात करें यहाँ पे देखो, जैसे व्हेन द फंक्शनिंग ऑफ वन आर मोर ऑर्गन्स और सिस्टम ऑफ द बॉडी इज एडवर्सली अफेक्टेड कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम, जैसे मान लो कोई बीमारी हुई और उससे आपको सिम्टम दिखने लगे, कुछ सिम्टम देख के आपको पता चल सकता है कि आपको कौन सी बीमारी हुई है, ठीक है, साइन एंड सिम्टम वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग हेल्दी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि हम बीमार हैं, क्या है, हम बीमार हो गए, ठीक, हमें बीमारी कोई हो गया, तो वी हैव डिजीज का मतलब क्या है, हमें बीमारियां हो गई है। देखोगे तो कह रही कि यहाँ पे अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम, अगर यहाँ पे हमारी बॉडी में बहुत सारे साइन एंड सिम्टम नजर आ जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे कि हम लोग जो है हेल्दी नहीं है। देखो देखो फिर अपीयरेंस ऑफ वेरियस साइन एंड सिम्टम, बहुत सारे आपको सिम्टम दिखाई देंगे, ठीक है, सिम्टम वी से दैट वी आर नॉट हेल्दी, हम लोग कह सकते हैं कि हम लोग हेल्दी नहीं, मतलब क्या है, वी हैव ए डिजीज, हमको डिजीज हो गया, बीमारी हो गई कोई ना कोई, ठीक, यानी डिजीज कैन बी ब्रॉडली ग्रुप इनटू द इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस, अब जो बीमारियां होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, एक तो इन्फेक्शियस दूसरा नॉन इन्फेक्शियस, इन्फेक्शियस मतलब होता है एक पर्सन दूसरे पर्सन में आसानी से वो फैल जाए पहुंच जाए, उसको बोलते हैं इन्फेक्शन, और नॉन इन्फेक्शियस में ऐसा नहीं होता, जैसे कैंसर,
कैंसर आप मान लो साथ साथ बैठो, एक को कैंसर और दूसरे कैंसर नहीं हो सकता है, बस में कुछ वही कहने की बीमारी जो डिवाइड किया गया है उसको दो कैटेगरी डिवाइड किया गया, एक इन्फेक्शन और दूसरा नॉन इन्फेक्शन हो गया। ठीक, थ्री डिजीज विच आर इजिली ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इन्फेक्शन डिजीज। कोई बीमारी अगर एक से दूसरे में ट्रांसफर हो जाए उसको बोलेंगे इन्फेक्शन, जैसे कि होगा कोरोना, एक को है कोरोना तो दूसरे को भी हो जाएगा अगर उसके नजदीक में है तो। ठीक, देखो आगे तो डिजीज इन्फेक्शस, इन्फेक्शस डिजीज आर वेरी कॉमन, ये जो है काफी कॉमन होता है। ठीक है, जैसे जुकाम वुकाम बहुत होता रहता है, कोई एक बच्चे को जुकाम है तो पूरे अगर वो स्नीजिंग कर दे तो पूरे क्लास को जुकाम हो जाएगा, वेरी कॉमन। एंड एवरी वन ऑफ अस सफर फ्रॉम द दैट सम टाइम और अदर, तो हम लोग कहीं ना कहीं से सफर किए होंगे। सम ऑफ द इन्फेक्शस डिजीज लाइक, देखो यहाँ पे कुछ कुराइजा बोलते हैं, कॉमन कोल्ड को फ्लू बोलते हैं, कुराइजा बोलते हैं, फ्लू या कुराइजा। ठीक है, तो इन्फेक्शस डिजीज लाइक एड्स हो गया आर फैटल, यानी जो इन्फेक्शस डिजीज होता है ठीक है उसमें सबसे खतरनाक कौन है, एड्स, एड्स सबसे खतरनाक है। ठीक है, एमंग नॉन इन्फेक्शस डिजीज की बात करेंगे इसमें कौन बताया तुमने आपको, कैंसर। तो नॉन इन्फेक्शस डिजीज में कैंसर जो है ये सबसे ज्यादा इससे डेथ होती है। ठीक है, ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज ऑल्सो अफेक्ट अवर हेल्थ एडवर्सली, जो ड्रग लोग यूज करते हैं एल्कोहल यूज करते हैं वो भी हमारे आर्गन को हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करता है, बस है। लेकिन किसी पियक्कर से बोल दो भाई जो है ये सब मत पिया करो तो 8-10 फायदे बना दे बता देगा वो, कि एल्कोहल पीने से ये फायदा होता है ये फायदा होता है, वो फायदे गिना देगा आपको, और इतने फायदे गिनाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यार जो हम खा रहे हैं इसका मतलब सब बेकार है, एल्कोहल ही पीना चाहिए सबको सब, है ना, इतने फायदे हैं। तो कहने तो यहाँ पे ये है, तो कहने जो हमारा एल्कोहल जो होता है वो भी हमारे हेल्थ को प्रभावित करता है। ठीक, एल्कोहल का सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ता है, लीवर पे, किस पड़ता है लीवर। ठीक है, जैसे कल अभी एक पेशेंट आया था, परसों थी मेरी, उसका जो है हाँ वही पी रखा, ज़्यादातर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में सब एक्सीडेंटल केस, मोस्टली 90% जो केस है सब एक्सीडेंटली हो रहे हैं, गाड़ी चला रहे, हमने बताया ना जब एल्कोहल पी लेंगे तो इसमें टनल विजन दिखाई देता है, ये जो गाड़ी चला रहा होगा उसको इधर दिखाई देगा और इधर दिखाई देगा, उनमें से कोई रास्ता नहीं, बीच का रास्ता होता है, समझ गए, तो जाहिर सी बात है। तो उसको अगर दाएं दिखाई देगा तब भी लड़ेगा किसी उसमें जाएगा, और बाएं दिखाई देगा तो नाले में घुस जाए, नाले में घुस जाए बड़ा, ये ट्रक जा रही तो उसमें लड़ जाए वो। ठीक है, तो उसके साथ हुआ था, तो उसमें हुआ क्या था कि हाँ उसकी ये पूरी जो है हाथ बायां था, ये बायां पूरा यूं इसे देख लो, इसको फोल्ड कर दो, यहां से नहीं, यहां से ये पूरा जो है रप्चर हो गया था, टूट गया था पूरा ये पूरा, और यहाँ से ये पूरा फट गया था काफ़ी ज़्यादा, और ये यहाँ से पूरा ये जो है ना ये पूरा आईब्रो जो है ऊपर आईलिड जो है ये पूरा फट गया था, तो काफ़ी उस तरीके था। देखो यहाँ पे, और पी रखा था वो, सब पीने वाले थे, एक भाई साहब ऐसे थे उन्होंने पी रखे जाके खंभे में लड़ा दिया, बिजली वाला नहीं खंभा होता है उसी में लड़ा दिया, और पी रखा था लड़ा दिया इतना कि इसके पैर ये भी टूट गया था बहुत बुरे तरीके से, और समझ नहीं आ रहा ये लोग कैसे गाड़ी चलाते, बिजली खंभा वो दिख नहीं रहा, घुस गया उसमें, एक ही केस हो सकता है पीने के वजह, क्योंकि पीने में टनल वजन दिखाई देता है, पता चलेगा नहीं खंभा हो कोई भी है लड़के जाके, तो बहुत सारे ऐसे केस होते हैं जहाँ पे ज़्यादातर आप आ रहे हैं पी के आ रहे हैं यक्कड़ वाले। एक भाई से बताया था हमने यहाँ पे, वो पी के क्या हुआ, सातवां मंजिल था, हाँ सातवें मंजिल से कूद गए वहीं, ठीक है, मुझे कैसे कैसे महान लोग होते हैं, ठीक है सातवें मंजिल से तो पैर वैर पूरा इनको सब खत्म। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं, इसलिए जो है ये पीना जो है ये गलत चीज़ है, ऐसे नहीं पीना चाहिए। देखो खैर अब करें यहाँ पे, तो उसमें कई चीज़ें समझ में आ रही है कि हो सकता है ऐसा, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि वो एक्सीडेंट हो गया 1090 चौराहे पे, है ना, खैर वो चौराहा थोड़ा सा है भी अनहेल्दी है चौराहा, चौराहे खास बात है कि वहाँ कोई पुलिस नहीं रहता जबकि रहना चाहिए, इधर भी जा रहा उधर भी जा रहा है, तो यानी लखनऊ के एक भुलभुलैया तो चौक में हमारे और दूसरा भुलभुलैया यहाँ पे ये है, ठीक है, अम्बेडकर जी बना हुआ ना 1090 चौराहा, तो एक्सीडेंटल बहुत सारा जो भी बनाया बहुत डिस्टर्ब बनाया वो, हमेशा होता ही है क्योंकि उसने फिक्स नहीं किया ना, ऐसा बना दिया ना उसमें कि समझ में नहीं आ रहा कौन कहाँ जा रहा है, तो ये सब चीज़ें हैं। खैर तो कह रहा था 1090 चौराहे पे कोई बोलरो लेके जा रहा था इसे, और वो जो है वो रॉयल इनफील्ड था बुलेट जो होती तो उसी में जो डायरेक्टली मोड़ दिया, उन्होंने कहा वो मोड़ रहा था पता नहीं चलेगा, लेकिन वो पी रखा था, दिक्कत तो ये मस्ती में जा रहा आराम से गाड़ी चला रहा कुछ भी चला रहा दिया उसी में, ठीक अच्छी बात है कि उसको दर्द भी कम हो रहा होगा क्योंकि पी रखा है। देखो तो यहाँ पे हम लोग बात करें कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, ऐसे बहुत सारे केस आते हैं, ज़्यादातर जो केस आ रहे हैं इसलिए ड्रिंक एंड ड्राइव ठीक है कभी एक साथ नहीं करना है, आपको ड्रिंक करना है तो कमरे में जाओ आराम से अपने कमरे में पी कर आराम से मस्ती जो करना है करो,
लेकिन जो गाड़ी जा रहे हो आप, सबसे खास बात है कि आपने ड्रिंक कर रखा है तो आप मर जाओ निपट जाओ कोई दिक्कत नहीं, दूसरे को अफेक्ट कर देते वो प्रॉब्लम है कि आपकी वजह से दूसरा सफर करें, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसीलिए जो पुलिस वाले पकड़ते हैं सही पकड़ते हैं, ठीक है, कूटना चाहिए पहले इसको। हाँ अभी कैंसर पे आ रहे हैं, फ्लूड एक्सचेंज होने से फ्लूड एक्सचेंज कैसे करा दोगे? इसमें नहीं होता, ठीक है। देखो यहाँ पे नहीं, तो कोई कोई बॉडी जो है अंदर से पहले से इसको कैंसर सेल होती है, वो कैंसर सेल ही उसको डैमेज कर सकती है, ऐसे इंजेक्शन वगैरह से नहीं होता। खैर देखो, तो हम लोग बात करें यहाँ पे, तो कहने मतलब ये कि जो बीमारियां हमने बताई यहाँ पे दो टाइप की, एक बताया इन्फेक्शन, दूसरा बताया नॉन इन्फेक्शन। इन्फेक्शन मतलब एक पर्सन दूसरे पर्सन में आसानी से ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, और नॉन इन्फेक्शन जो है ट्रांसफर नहीं होती है। और इन्फेक्शन सबसे खतरनाक बीमारी कौन सी बताई हमने बताओ? एड्स से बताई, कौन सा बताया? एड्स, ठीक है। और नॉन इन्फेक्शन में कौन सा बताया हमने? कैंसर, ठीक है। इसके अलावा जो ड्रग्स होते हैं, जो अल्कोहल होता है, ये भी हमारी बॉडी को प्रोवाइड करते हैं। अच्छा आपने ये अल्कोहल देखा होगा, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एब्यूज। अल्कोहल पीना और एब्यूज में अंतर होता है, बहुत से लोग पीते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे पीते हैं वो मैं बताऊँ। जैसे एक लोग जानने वाले थे मेरे, तो वो कैसे पीते थे, उनके सीआईएसएफ में थे वो, है ना, आर्मी में, तो शाम को आते थे ड्यूटी करने के बाद, उनका ये सिस्टम था कि जैसे मान लो पैसा वाले जो फीस आई होती, उनकी सैलरी जो स्टार्ट जो भी हो 45-50 के आसपास होती, और लगभग आधा 50% जो सैलरी होती है खाने में निकाल देते, यानी कि 60-50 हज़ार में 25 हज़ार सिर्फ खाने पे, खाओ पियो और मौज मस्ती सब इसी में था, ठीक है। तो लेकिन वो काफ़ी हेल्दी थे, उनका काम ये था कि रात में आते थे बोतल लेके आते थे पीते, तो खाना खाया पिया और सुबह सो गए, और सुबह उठते फिर ड्यूटी, पता ही नहीं चलता था कि हाँ उन्होंने पीते भी हैं, कमरे के अंदर पीते थे, ऐसा था, कभी बाहर नहीं पीते थे वो, खास बात ये चीज़ है, ठीक है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, तो ये कर सकते हो आप कि आपको अगर कुछ पीना है तो आप आराम से पी कर आराम कमरे में अपने रहो, ये थोड़ी ना बाहर जाके आप वो कर रहे हो, है ना। देखो खैर देखो, तो हम लोग बात करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा पी जाते हैं, उसको बोलते हैं अब्यूज, एक नशा उतरा नहीं दूसरा फिर चढ़ा लिए, हमेशा चढ़ाए रहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो एक दिया हुआ ड्रग, तो ड्रग में बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जैसे कि कुछ ऐसी ड्रग्स आती हैं जो आप यूज़ कर सकते हो, क्या नाम, सॉरी, जो मेडिसिनल पर्पज़ से यूज़ की जाती हैं बस ना, जैसे ओपियम पॉपी मॉर्फिन ये सब यूज़ की जाती हैं, पेन किलर के तौर पर यूज़ की जाती हैं। और आपने आपको एक थोड़ा हल्का सा दर्द हुआ और आपने मॉर्फिन के इंजेक्शन लगवा लिए, आपको आराम मिल गया तुरंत। अब आपको क्या होगा कि जब आप जब भी आपको दर्द होगा आप वो इंजेक्शन लगाए पड़े हो, दर्द नहीं तब भी है तब भी, क्योंकि उससे काफ़ी आपको आराम मिलता है, साथ साथ आपको नींद अच्छी आती है। तो आप क्या करने लगे, फिर आपने खुद जाके लेके फिर गुंदर लगाना शुरू कर दिए, तो क्या हो जाएगा, उसको ड्रग एब्यूज बोलते हैं। बस ना, जो आप बिना किसी डॉक्टर के परमिशन के अगर मेडिसिन यूज करो, दैट इज किसका, हाँ तो भी जाएगा, है ना, नहीं होगा, पैरालाइज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर एक्सरसाइज में हो जाएगा तो कोमा में जा सकता है, और उसकी फिर कोमा जाने के बाद डेथ भी हो सकती है। ऐसे कुछ लोग क्या करते हैं, अभी नशे में अल्कोहल तो पीते ही हैं, एल्कोहल में ड्रग मिला लेते हैं, तो एल्कोहल का अपना नशा, ड्रग मिला लेंगे उसका अपना नशा, नशा प्लस नशा इज इक्वल टू बड़ा नशा, नहीं है, तो वो ले जाते हैं कोमा, हैं कौन सी मेडिसिन आती है, उसी की बात कर रहे हैं, उसी की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। तो देखो उसी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो क्या होगा फिर वो, तो उससे क्या होता है, कोमा में आदमी चला जाता है, कोमा से क्या होगा, आदमी मर जाता है। इसलिए कह रहे हैं जो है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, एल्कोहल और उसमें मिला लेते हैं ड्रग, नाम नहीं आ रहा है, बता दूंगा आपको, ठीक है। देखो तो हम लोग बात करें यहाँ पे, हैं भांग, भांग देखो तो और भांग बोले अल्कोहल प्लस वो भांग, देखो ठीक है। तो देखो अभी बताते हैं यहाँ पे, देखो तो हम लोग बात करें यहाँ पे, अब आते हैं कॉमन डिजीज इन ह्यूमन, तो कौन कौन से डिजीज के बारे में बात कर लेते हैं। देखो कह रहे कि वाइड रेंज ऑफ ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू द बैक्टीरिया, बताया आपको, इसे बैक्टीरिया हो गया, वायरसेस हो गया, इसे बीमारी होती, फंजाई हो गया, ठीक, बैक्टीरिया से रिलेटेड बहुत सारी बीमारी हमने बताई थी, ठीक है। कौन कौन बीमारी थी बैक्टीरिया रिलेटेड बताओ, बैक्टीरिया बीमारी बताई थी, सिट्रस कैंकर क्या था, सिट्रस कैंकर है, टिटनस हो गया, और टाइफाइड हो गया, टाइफाइड किससे होता है, साल्मोनेला टाइफी, क्या टाइफी, वायरस रिलेटेड कौन सी बीमारी बताई आपको, एड्स हो गया है ना, कोरोना और फ्लू,
फंजाई में कौन हो गया, दांत खाद खुजली है ना, रिंगवर्म है कि नहीं। दूसरी बात कह रहे हैं कि प्रोटोजोआ से रिलेटेड बताओ, मलेरिया, बिल्कुल सही बात है ना, तो इसमें क्या हो गया मलेरिया। तो कह रहे हैं ये सारी जो बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए और प्रोटोजोआ हो गए, ये सब बीमारी का करने वाले एजेंट हैं। ठीक है, हेलमिंथ बताओ, हेलमिंथ वाले जैसे प्लेटी हेलमिंथिस और एस्केलमेंथिस ये बीमारी का करते हैं। प्लेटी हेलमिंथिस जैसे कि टीनिया सोलियम, क्या है टीनिया सोलियम, पास में क्या। तो अब ये कह रहे हैं यहाँ पे इसके अलावा जो आपका एस्केलमेंथिस होता है, जैसे उसको बोलते हैं इंसाइलोस्टोमा, इसको हुकवर्म बोलते हैं, क्या बोलते हैं हुकवर्म, आप पता है यहाँ पे हुकवर्म जो होता है ये पेट में कीड़े पड़ जाते हैं, पास में सफ़ेद सफ़ेद जो होते हैं ये घुस जाते हैं। टीनिया सोलियम का इन्फेक्शन हो सकता है, तो टेप वन फीताक्रम बोलते हैं हिंदी में, है ना, क्या बोलते हैं फीताक्रम। तो कह जो हेलमेंथ होते हैं वो भी यहाँ बीमारी फैलाते हैं। ठीक, तो कौन कौन बीमारी काजिंग एजेंट हो गए, बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंजाई हो गए, प्रोटोजोआ हो गए और हेलमेंथ हो गए, बस में इसको ध्यान रखिएगा। कैरेक कुड काजेज डिजीज इन ह्यूमन, सच डिजीज काजिंग और ऑर्गेजम आर कॉल द पैथोजन, जो बीमारी फैलाते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन और इसके स्टडी को बोलते हैं पैथोलॉजी। ठीक है, जब आप एमबीबीएस करो तो आपको भी पूरी पैथोलॉजी पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, अच्छी खासी बुक है इसकी। ठीक है, देखो और एक बुक चलती है के मोहन करके, ठीक, के मोहन बहुत अच्छे राइटर, बहुत बढ़िया बुक। देखो अब करें यहाँ पे ये पैथोजन, जो बीमारी कास्ट करे चाहे वो बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो, चाहे फंजाई हो, उसको हम लोग बोलेंगे पैथोजन। सारी बीमारी कास्ट करने वाले एजेंट को हम लोग पैथोजन बोलते हैं, क्या बोलते हैं पैथोजन। ये कुछ बात हम लोग बात कर रहे थे। ठीक, इसके बाद में जो टॉप पॉइंट लिखा है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन, क्या लिखा है मोस्ट पैरासाइट आर देयरफॉर पैथोजन, किसी में कुछ और तो नहीं लिखा है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है मोस्ट, ठीक है, पहले साइड लिखा हुआ था इसमें आल, ठीक है, अब लिख दिया गया है मोस्ट, किसी में आल लिखा हुआ तो मोस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो लिखा है क्या, तो लिखा, हाँ पुरानी किताब में लिखा, बिल्कुल कह रहे मोस्ट पैरासाइट, ज्यादातर जो पैरासाइट होते हैं आर देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉजेस हार्म टू द होस्ट बाय लिविंग इन और ऑन देम, वो उस किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर भी रह सकते हैं, उनके ऊपर भी रह सकते हैं। ऊपर रहने वाला कोई नाम बताओ, जैसे कि आपका हो गया लाइस, जुए, जुए कहाँ रहते हैं बॉडी के अंदर के बाहर, बाहर बालों में, ठीक, खटमेल हो गए ना, ये इक्टोपैरासाइट हो गए। ठीक, वही करें कि बॉडी के बाहर भी हो सकते हैं, बॉडी के अंदर, एस्केरिसिस कहाँ होगा बॉडी के अंदर, है ना, कहाँ होगा बॉडी के अंदर हो गया। ठीक है, देखो जो एस्केरिस होता है देम, अब करें पैथोजन कैन इंटर अवर बॉडी बाई वेरियस मीन्स मल्टीप्लाई, बहुत सारे तरीके जिसके वजह से जो आपका ये पैथोजन है हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर सकता है, बस में तो ये कुछ बात हम लोग यहाँ पे कर रहे थे। तो ध्यान रखना ये लाइन इंपॉर्टेंट है, मोस्ट पैरासाइट, ज्यादातर पैरासाइट होते हैं वो पैथोजन होते हैं, बीमारी काज करते हैं, सारे पैरासाइट बीमारी काज नहीं करते। कुछ समझ आया विकास, इसमें लिख देगा कौन सा सेंटेंस गलत है, यहाँ लिख देगा ऑल पैरासाइट आर काजिंग काजेस पैथोजन, कह सकते हो या हार्म द होस्ट, सारे नहीं होते हैं, कुछ होते हैं, ज्यादातर, यहाँ लिखा क्या मोस्ट पैरासाइट, ज्यादातर पैरासाइट होते हैं जो बीमारी काज करते हैं, सारे नहीं करते हैं। क्लियर, गड़बड़ तो नहीं करोगे, क्योंकि इसमें चेंज भी किया गया है तो यहाँ पे गड़बड़ आपका हो सकता है कि कौन सेंटेंस में गलत है, तो मोस्ट लिखा है आल नहीं लिखा है, इंपॉर्टेंट है। अब आ जाते हैं आगे, देखो तो ये हम लोग कुछ बात कर रहे थे यहाँ पे कौन कौन सी बीमारियां, देखो आगे चैप्टर बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, ठीक है, बस बस ये है आपको बस चीजों को समझते जाना है, कहाँ कहाँ चीजें हैं, जो क्वेश्चन होगा मैं आपको बता दूंगा। देखो अब करें कि पैथोजन मोस्ट पैरासाइट देयरफॉर पैथोजन एज दे कॉजेस हार्म टू द होस्ट By living in or on them, ये कह रहे हैं कि उसके अंदर भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है, ठीक है, अंदर बाहर दोनों हो सकते हैं। देखो देखो कि the pathogens can enter our body by various means, multiply and therefore with normal vital activities resulting in morphological and functional damage, morphological and functional damage कर सकता है, क्या मतलब, देखो जैसे आपको दांत खाज खुजली हो गई, रिंग वन,
एक बार जहाँ होता है आपको देखो स्किन इसकी खराब होने लगती है, चेहरे पर हो गया तो पूरा स्किन खराब हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, मार्फोलॉजिकल, जो बाहर से दिखे मार्फोलॉजिकल, जो ना दिखे एनाटॉमिकल। एनाटॉमी मतलब क्या है, बॉडी के अंदर, वो नहीं दिखता है, मार्फोलॉजी बॉडी के बाहर। तो मार्फोलॉजिकल यानी बाहर से आपको दिखने लगेगा, ठीक है, लिकोडर्मा हो गया, सोरेसिस हो गया, बाहर दिखेगा सफ़ेद दाग, नहीं दिखेगा, दिखेगा ठीक, ये मार्फोलॉजिकल हो गया। फंक्शनल मतलब ये हो गया कि वो बंदा जहाँ पे जाएगा बैठेगा तो क्या करता रहेगा, खुजलाता रहेगा, वो कोई भी काम करे खुजलाता, खुजली हो खुजलाता या पेट से खुजलाता रहेगा। तो कहने मतलब ये क्या हो गया, फंक्शनल, तो वो उसी में इंगेज रहता है। तो मार्फोलॉजिकल हो गया, बाहर से दिखेगा भी, और अगर फंक्शनल भी रोल में आ गया, यानी कि आप अगर उसको देखोगे तो आपको समझ जाएगा कि लग रहा है तो खुजली है, खुजलाता ही रहता है हमेशा, बात में एक आध दोस्त को नाम भी रख दोगे, है ना। देखो यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि ये पढ़ाता कम है और खुजलाता ज्यादा। देखो फंक्शनल डैमेज, पैथोजन हैव टू अडेप्ट टू लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि जो पैथोजन होता है वो हमारी बॉडी के लाइफ को अडॉप्ट कर लेते हैं। जैसे मान लो कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, एस्केरिस मान ले लो, कौन बोलते हैं एंसाइलोस्टोमा, तो उसको पता है कि हम हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना है 37 डिग्री, तो वो जो है उसको पता है कि हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रहना है, तो वहाँ पर क्या कर लेगा, सर्वाइव कर लेगा। लेकिन कोई ऐसा अगर जब 37 में सर्वाइव नहीं कर पा रहा है तो हमारी बॉडी के अंदर क्या हो जाएगा, सर्वाइव नहीं कर पाएगा, इंटर जरूर करेगा लेकिन वो बाहर फिर निकल जाएगा, या हमारा यहाँ पे काम नहीं है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम होते हैं जो आपके बॉडी में इंटर करते हैं और फिर वापस चले जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है। ठीक, देखो वही करें यहाँ पे, पैथोजन हैव टू अडेप्ट लाइफ विद इन द एनवायरमेंट ऑफ द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल द पैथोजन दैट इंटर द गट, ऐसा कोई पैथोजन जो गट मतलब एलिमेंट्री कैनाल, हमारे जो इंटेस्टाइन को क्या बोलते हैं, गट बोलते हैं, इंटेस्टाइन या एलिमेंट्री कैनाल कुछ भी बोल सकते हो, तीन नाम होते हैं, गट, एलिमेंट्री कैनाल और इंटेस्टाइन। फिर हमारी जो गट होती है, ठीक है, मस्ट नो ए वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो पीएच, यानी कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो हमारी बॉडी के अंदर इंटर कर रहा है, ठीक है, उसको ये पता है कि हम इसके बॉडी के अंदर इंटर कर रहे हैं। इंटर करने के बाद जब जैसे यहाँ पे मुंह से खाना वाला रोटी है खा रहे हो आप, कहाँ पहुंचेगा, स्टमक में, और स्टमक में पीएच कितना होता है, पीएच कितना होता है, हाँ 1 से 2, ठीक है 1.7 1.8, ये देखो ठीक है, हाईली एसिडिक हो गया, 1.8 पीएच हो गया तो हाईली एसिडिक हो गया। ठीक है, हमारे पेट में क्या है, एचसीएल की वजह से क्या होता है, कौन निकालता है एचसीएल, ऑक्सीजेनिक सेल, कौन निकालेंगे ऑक्सीजेनिक सेल, वो क्या निकालेंगे एचसीएल, क्लियर। तो कह रहे हैं जो एचसीएल होता है अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाए तो क्या करेगा, डैमेज कर देगा, एसिड है, एसिड एसिड में क्या जाएगा, जल जाएगा। तो कह रहे हैं उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पता है कि हमें एसिड से होकर गुजरना है, इसलिए वो सर्वाइव कर जाएगा। देखो ये कह रहे हैं यहाँ पे, देखो कह रहे हैं वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, इफ यू यहाँ देखो लो पीएच, पीएच काफी लो होता है, एंड रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, तो क्या करता है अपने बॉडी की तरफ कुछ कवरिंग कर लेता होगा, जैसे अपना कोई होता है तो कवरिंग कर लिया और चुपचाप वहां से निकल गया, पहुंच गया लार्ज इंटेस्टाइन या स्मॉल इंटेस्टाइन, वहां तो पीएच होता बढ़ जाता है, फिर वहां सर्वाइव कर जाएगा। देखो रेजिस्टिंग द वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, तो कह रहे हैं कि जो कोई भी आगे जब हमारी बॉडी में इंटर कर रहा है तो उसको पता होता है कि हमें किस किस पीएच से गुजरना पड़ेगा, अदरवाइज सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। ठीक, और ये लो पीएच क्यों होता है, क्योंकि जो हम लोग खाना खाते हैं पेट में अगर देखो किस चीज का डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, किसका, प्रोटीन का, तो हमारी बॉडी में जो स्टमक होता है उसमें प्रोटीन का डाइजेशन होता है, और प्रोटीन जानते हो किसी ने मान लो चिकन उड़ा दिया है, पनीर उड़ा दिया है, ठीक, दावत तो में गया और पनीर उड़ा दिया ढेर सारा, तो क्या हो जाएगा, फिर प्रोटीन बहुत सारा है, उस प्रोटीन का डाइजेशन कौन करेगा, पेप्सिनोजन, पेप्सिनोजन में पेप्सिन करेगा, कौन करेगा, पेप्सिन, पेप्सिनोजन तो इनएक्टिव फॉर्म में, तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन बनाने का काम कौन करता है, एचसीएल करता है, जब एचसीएल नहीं होगा तो पेप्सिनोजन से पेप्सिन नहीं बनेगा, और पेप्सिन नहीं बनेगा तो प्रोटीन का डाइजेशन नहीं होगा, ऐसा खाया वैसे बाहर तो फायदा क्या खाने से, ऐसा कुछ जो लोग बात करें, तो कहने मतलब ये है कि इसलिए एचसीएल हमारे लिए जरूरी होता है। देखो करें वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम, ए फ्यू रिप्रेजेंटेटिव मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट ग्रुप ऑफ पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म आर डिस्कस्ड हियर अलोंग विद द डिजीज कास्ट बाय देम, प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मेजर्स अगेंस्ट दिस डिजीज इन जनरल आर आल्सो ब्रीफली डिस्क्राइब। प्रिवेंटिव एंड कंट्रोल मतलब ये हो गया कैसे उसको आप रोक सकते हैं और कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक, ये हम लोग बात करें कुछ बीमारियों के बारे में। खैर इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है क्या, फिर से मोस्ट पैरासाइट आर पैथोजन, सारे पैरासाइट नहीं ज्यादातर, ठीक ये पॉइंट थोड़ा सा याद रखिएगा। अब एक ही करके हम लोग बीमारी पढ़ेंगे यहाँ पे। देखो सबसे पहली बीमारी हमारे पास है सालमोनेला टाइफी,
तो ये हमारे पास है साल्मोनेला टाइप। देखो तो सबसे पहले बीमारी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे, क्या साल्मोनेला टाइप है। इंपॉर्टेंट क्या, देखो ये बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी पहले तो यह ध्यान रखना। ठीक, कौन से बैक्टीरिया, देखो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइफाइड। क्या बोलते हैं, टाइफाइड। ठीक है, किसी टाइफाइड हुआ तो बताओ इसको। देखो टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन बींग, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं, पता है किसी को टाइफाइड को हिंदी में, मियादी बुखार। सुना है इसको, मियादी बुखार हो गया। क्यों, गाँव में देहात में बोलते हैं मियादी बुखार, दैट इज टाइफाइड। ठीक है, नहीं टाइफाइड है ये, मतलब फीवर एक तरीके से, फीवर का एक टाइप है। देखो यहाँ पे हो जाएगा, देखो टाइफाइड आपके पेट में ऐंठन शुरू हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ जाएगा, बुखार हमेशा बना रहता है। ठीक है, ये सारी चीजें। खैर, टाइफाइड फीवर ह्यूमन बीइंग दिस पैथोजन जनरली इंटर द स्मॉल इंटेस्टाइन। पहली चीज तो ये इन्फेक्शन कहाँ होता है, क्या बताओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन की लार्ज इंटेस्टाइन की स्टमक, तो क्या बताओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, थ्रू फूड एंड वाटर किसी भी माध्यम से पहुंच सकता है, फूड से या वाटर से, कंटेमिनेटेड विद देम। अगर किसी फूड और वाटर में सामला टाइप की बैक्टीरिया है तो उससे बीमारी हो जाएगी। देखो माइग्रेट टू अदर ऑर्गन थ्रू द ब्लड, ब्लड के माध्यम से पूरे बॉडी में फैल जाएगी। देखो यहाँ पे पहले चीज तो दिया गया इंपॉर्टेंट है, सस्टेन हाई फीवर 39 to 40 degree। ठीक है, कह रहे हैं कि इसमें होता क्या है, 39 से 40 degree centigrade टेम्परेचर हमेशा बना रहता है। ठीक है, 39 degree, ठीक है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, 37। वही कह रहे हैं 39 से 40 degree centigrade अगर आप उसको थर्मामीटर से मेजर करोगे तो इतना टेम्परेचर उसका बना रहता है। सस्टेन मतलब बनाए रखना, पता है कुछ, इतना टेम्परेचर रहता है। दूसरी बात, तो आप इससे पता चल सकता है कि इसको टाइफाइड हुआ है। दूसरा क्या होगा, देखो दूसरा होगा उसको वीकनेस होगा, कमजोरी लगेगी। तीसरा देखो कह रहे हैं स्टमक पेन होगा, ठीक है स्टमक पेन होगा, पेट में दर्द होगा उसको, कॉन्स्टिपेशन रहेगा, ठीक है कॉन्स्टिपेशन, हेडेक होगा, ठीक है हेडेक होगा उसको, और क्या होगा देखो, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगेगी, जो खाया वही नहीं निकलेगा तो भूख कहाँ से लगेगी, नहीं तो क्या होगा, लॉस ऑफ एपेटाइट, इसको बोलते हैं एनोरेक्सिया। क्या बोलते हैं, एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगना, एनोरेक्सिया, दैट इज लॉस ऑफ एपेटाइट आर सम ऑफ द कॉमन सिम्टम ऑफ दिस डिजीज। याद रखिएगा, अगर आपसे कहता है एक कोई पेशेंट है उसको क्या हो रहा है बताओ, 39 से 40 degree centigrade टेम्परेचर बना रहता है, साथ साथ उसको कमजोरी लगती है, पेट में दर्द होता है, उसको कॉन्स्टिपेशन रहता है, कब्ज बना रहता है, सर में दर्द होता है, ठीक है उसको भूख नहीं लगती, कहते सर हमें भूख नहीं लगती, बुखार रहता है हमेशा, ठीक है पेट में ऐंठन बनी रहती है, कौन सी बीमारी है, मैं कुछ टाइफाइड हो गया उसको, ये आपने सस्पेक्ट किया और उसके बाद उसको टेस्ट के लिए बोलते हैं विडाल टेस्ट करा के लेके आओ। इसके लिए कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, ठीक है उसको भेज दो, विडाल टेस्ट होगा, पॉजिटिव होगा तो, निगेटिव होगा तो ऐसा ही होता है। खैर देखो तो ऐसे पेशेंट को पहचानते हैं आप, सिम्टम देखो, सिम्टम के बेस कुछ गेस करते हैं ये बीमारी हो सकती है, तो उसको वो टेस्ट कराओ, टेस्ट कराने के बाद उसकी वो ट्रीटमेंट चला दो। करे कि एंड डेथ मे अकर इन सेवियर केसेस, लेकिन अगर आपने किसी इस पर ध्यान नहीं दिया है मतलब ठीक फीवर ठीक हो जाएगा, इग्नोर करता गया तो इसे कह रहे हैं डेथ भी हो सकता है। बस में कुछ देखो डेथ सेवियर केसेस, इसमें डेथ भी हो सकता है। आगे भी कह रहे हैं कि जो टाइफाइड फीवर कुड बी कंफर्म बाय, जो टाइफाइड फीवर होता है उसको किससे कंफर्म करते हैं बताओ, विडाल टेस्ट, है ना, इसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, इसको विडाल टेस्ट से कंफर्म किया जाता है। ठीक है, कौन सा टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट, है ना, जैसे एड्स होता है उसका कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा होता है, एड्स का वेस्टर्न ब्लॉट, कौन सा होता है, वेस्टर्न ब्लॉट। रूटीन टेस्ट होता है पीसीआर, रूटीन टेस्ट होता है पीसीआर, और कंफर्मेटरी टेस्ट होता है वेस्टर्न ब्लॉट। क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न ब्लॉट, आगे बताएंगे इसके बारे में। तो अगर आपको सिम्टम दिख रहे हैं तो कौन सा टेस्ट करवाओगे, विडाल टेस्ट, मैं कुछ, लेकिन अगर आप पेशेंट को कुछ डॉक्टर होते हैं क्या करेंगे, जैसे कोई पेशेंट आया उसको दिखे सारे टेस्ट लिख डाले, ठीक ये भी लिख दिया, ये भी लिख दिया, LFT PFT CFT सब कर डाला उसको दे दिया, है ना, किसी कोई जरूरत नहीं है वो भी दे दिया, MRI भी करा दिए इसी में, किसी कोई जरूरत नहीं है, CT स्कैन भी करा दो, एक्सरे भी करा दो, मलेरिया भी करा दो, मतलब सब करा दो इसमें,
एक बार पेशेंट आए ताकि दोबारा ना आए वो, क्यों गलत जगह आ गए। ठीक, तो ये सारी चीजें होती, तो ऐसा नहीं करना है। ठीक है, देखो, हाँ देखो भाई, वो तो डॉक्टर भरोसा करता है कि आप जो लिख रहे हो सही लिख रहे हो, अब उसको क्या पता कि आप कुछ वो कर रहे हो, है ना, तो चीज नहीं करना है। खैर, तो हम लोग बात करें यहाँ पे किसके, टाइफाइड के बारे में। क्या क्या सिम्टम बताए विकास, कोई भी किसी को टाइफाइड हो गया क्या क्या दिखाई, लक्षण दिखाई देंगे? और दमा, देखो और क्या होता है, दमा कितना रहता है, और बताओ, कब्ज बना रहता है, ठीक है, सर में दर्द रहेगा, कब्ज बना रहेगा, ठीक है। तो ये हम लोग कुछ बात करें यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा टाइफाइड। ऐसे एक एक करके बीमारी हम लोग पढ़ेंगे, जैसे पहले हम लोग बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया के बाद ऐसी बीमारी मलेरिया आएगा विक्टर वाले, वैसे ये चलने होता रहेगा। ठीक, तो क्या चीज़, विडाल टेस्ट बैक्टीरिया को पता करता है ना, सामला बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेता है, अगर सामला है इसका मतलब क्या है, वो विडाल है। ठीक है, देखो तो हम लोग बात करें यहाँ पे, तो आपने सिम्टम देखे, ऐसे की जाती है, आप ट्रीटमेंट करोगे जब आप डॉक्टर बन जाओगे तो आप ऐसे ही करोगे। तो सिम्टम देखो, एटलीस्ट सिम्टम तो पता ही होना चाहिए आपको, क्या क्या सिम्टम है। अब आपको टाइफाइड के सिम्टम ही पता नहीं है, फिर वही होगा, फिर सारे टेस्ट करवा लोगे फिर, है ना, और पेशेंट परेशान हो जाएगा फिर, यार देखो हम तो परेशान हो गए, फिर पैसा खत्म जाएगा, इनको बीमारी नहीं मिल पा रही है ना। देखो तो कह रहे हैं यहाँ पे, जो विडाल टेस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, करें क्लासिक केस इन मेडिसिन, करें, इसी में एक कहानी बताई गई है, इनका नाम था मैरी मेलन, क्या नाम है, मैरी मेलन, ठीक, इनका निकनेम था, ठीक है, मैरी मेलन, ये काम करती थी, इनका प्रोफेशन था कुक, खाना बनाने वाली, ठीक है, ये खाना बना रही थी, एक जगह खाना बना रही थी, ठीक, और इनको टाइफाइड हो गया था, क्या हो गया था, टाइफाइड हो गया था, ठीक, देखो आगे, निकनेम टाइफाइड मैरी, इनको बाद में टाइफाइड मैरी भी बोलने लगे थे, क्यों, इज वर्थ मेंशनिंग हियर दैट शी वाज ए कुक बाय प्रोफेशन, प्रोफेशन से वो खाना बनाने में एक महिला थी, ठीक। दूसरी बात कर रहे हैं, कैसे पता लगा महिला थी, मैरी नाम, मैरी किसको होता है, एक तो मैरी नाम, दूसरा यहाँ क्या लिखा है, सी, है ना, देखो कह रही कि एंड वाज टाइफाइड कैरियर, ये टाइफाइड कैरियर थी, यानी कि टाइफाइड का बैक्टीरिया लेके घूम रही थी, लेकिन वो टाइफाइड नहीं था। टाइफाइड कैरियर और टाइफाइड इन्फेक्शन होने में फर्क होता है, इनके अंदर बैक्टीरिया तो मौजूद था लेकिन इनको क्या नहीं था, टाइफाइड नहीं था, इसलिए बोला गया कैरियर। ए टाइफाइड कैरियर हु कंटिन्यू टू स्प्रेड टाइफाइड फॉर सेवरल ईयर थ्रू द फूड शी प्रिपेयर, अब करें जो खाना बनाती थी एक कैरियर थी लेकिन इनको टाइफाइड नहीं था, लेकिन इनके बॉडी से, बॉडी मतलब जैसे आटा गूंथ रही है, पसीने आया, पसीना पोछा, यहाँ पोछा, मुंह पोछा, मसाला सलाइवा गया, सलाइवा के गूंथ रही उसमें पहुंच गया पूरा, में ये दाल वाल उसको साफ कर रहे हैं, उसको डाला, पसीना आया, मुंह पोंछा, डाल दिया उसमें, हो गया इन्फेक्शन। तो करें कई सालों तक ये टाइफाइड का बैक्टीरिया को ट्रांसफर करते रहे, बीमारी फैलाते रहे, इसलिए इसका नाम भी रख दिया गया क्या, टाइफाइड, टाइफाइड मैरी, टाइफाइड मैरी, ठीक है। देखो तो वही कहने मतलब है कि अगर आपसे पूछता है इंपॉर्टेंट चीज क्या, देखो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि जो मैरी मेलन है वो टाइफाइड की कैरियर थी, टाइफाइड नहीं था, इनको कैरियर में टाइफाइड इन्फेक्शन में फर्क होता है, जो कैरियर होता है उसका इन्फेक्शन तो होता है लेकिन उसका कोई सिम्टम नज़र उससे नहीं आता है, अंदर तो माइक्रोजा मौजूद रहेगा, ठीक है। देखो वही कह रहे हैं यहाँ पे, फूड से प्रिपेयर, और कई सालों तक वो बीमारी को ट्रांसफर करती रही, फैलाती रही, ठीक है, कौन, मैरी मेलन, ठीक। देखो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये कुछ बात हम लोग बात करें, सबसे पहले आपने बैक्टीरियल डिजीज पढ़ी कौन सी, सामला टाइफाइड, ठीक है। आप देखो दूसरा, देखो दूसरा जो बैक्टीरिया है जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, क्या, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी, ठीक है, इसे नाम से क्लियर है, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनी क्या काज करेगा, निमोनिया, क्या काज करेगा, निमोनिया, लेकिन उसके आगे जो लिखा है वो इम्पोर्टेंट है, क्या, देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, यहाँ पे नाम से पता नहीं चल रहा है किससे निमोनिया काज कर होता है, ठीक, तो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी जो होता है ये क्या काज करता है, निमोनिया काज करता है, क्या काज करता है, निमोनिया, खासकर जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको निमोनिया ये होता है। देखो करें आर
रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज, खासकर जो न्यूनेटल होते हैं, तुरंत पैदा होते हैं, 1 महीना 2 महीने के बच्चे हैं, उनको निमोनिया जल्दी पकड़ता है। देखो तो बच्चों पे अटैक करता जाता है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया इन ह्यूमन। कह रहे हैं विच इन्फेक्ट द एल्वोलाई, किसको इन्फेक्ट करता है? देखो एयर फील्ड सैक, आप आगे पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो वहां पे जो एल्वोलाई होता है, देखो ऐसे ऐसे एल्वोलाई होता है, ठीक है, ये एल्वोलाई है। होता है क्या, देखो यहाँ पे जैसे एल्वोलाई मान लो ले लिया, और यहाँ पे ये ब्लड, ये कैपिलरीज है ब्लड की, ठीक है, तो इससे क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा, क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होगा। तो यहाँ पे जो एल्वोलाई आ रहा है, आप बाहर से सांस ले रहे हो, ओटू अंदर आ रहा है, ठीक है, ओटू अंदर आएगा, ओटू यहाँ पहुंच चुका है, तो ओटू इधर ट्रांसफर होगा ब्लड वेजल में जाएगा, और ब्लड वेजल से जो CO2 होगा ये इधर जाएगा, उसमें कुछ इसमें गैसेस एक्सचेंज होता है, उसमें कुछ, तो इसी को कहते हैं कि जो इसने क्या कर दिया, ब्लड को प्योरीफाई कर दिया। ब्लड को प्योरीफाई करने में क्या होता है, ये तो करता है, जो CO2 होगा जितना ब्लड वेजल में वो चला जाएगा एल्वोलाई में, एल्वोलाई सांस लेकर फिर नोज से बाहर आ जाएगा, और जो O2 होगा सांस लेकर अंदर जाएगा, उस O2 को ब्लड वेजल में पहुंचा, यही काम होता है प्योरीफाई करने में। लंग्स क्या करते हैं, ये काम तो करता है गैसेस एक्सचेंज। आप समझो ध्यान से, ये O2 को ट्रांसफर कर रहा था और CO2 को ले रहा था, लेकिन अगर मान लो यहाँ कुछ ऐसा हो जाए, देखो ध्यान से, ये जो दिख रहा है यहाँ क्या हो जाए, ये क्या हो गया, मेरे को यहाँ पे पानी भर गया है, आजकल पानी बहुत भर रहा है, दिख रहा है, पानी भर जाए। अच्छा जब पानी भर जाएगा तो ऑक्सीजन तो यहाँ, ये क्या आ पाएगा, यहाँ एक्सचेंज हो पाएगा, क्योंकि तो पानी भर गया इसमें, और पानी भर जाएगा तो गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगा तो आदमी क्या हो जाएगा, सफोकेशन से उसकी डेथ हो जाएगी, यही होता है उसमें, यही होता है इसमें कि गैसेस एक्सचेंज नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां पानी भर गया है। पानी भरने से क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज नहीं होगा, जिसकी वजह से सफोकेशन होगा, सफोकेशन से बच्चे की डेथ हो जाती है, दम घुट जाएगा, उसमें कुछ ध्यान रखिएगा। देखो क्या कह रहे हैं, देखो कह रहे हैं एल्वोलाई एयर फील्ड सैक ऑफ द लंग, कह रहे हैं एज ए रिजल्ट ऑफ द इन्फेक्शन एल्वोलाई गेट फील्ड विद फ्लूड, और इसमें जो है फ्लूड भर जाता है, लीडिंग टू सेवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, सांस लेने में कई सारी दिक्कतें आती हैं, ठीक है। जैसे बच्चा हमने बताया था, जब डिलीवरी होता है तो बच्चे को रुलाया जाता है पीट पीट के, रो जल्दी रो स्टार्ट करो, ठीक है, रोने से क्या होगा कि वो ऑक्सीजन जो है अंदर जाएगा, क्योंकि जन्म से पहले जो लंग्स होता है वो कोलैप्स होता है, पिचका रहता है, ठीक है, और वो सारा काम मदर से होता रहता है, मदर का जो है उससे होता रहता है। लेकिन क्या होगा कि जैसे जन्म होगा तुरंत सूखा होना चाहिए, देखो ऐसे इसमें ऑक्सीजन बढ़ जाना चाहिए, फूल जाना चाहिए, ये चलता रहेगा इससे प्रोसेस पूरा लंग्स का। लेकिन अगर वो जन्म ले लिया और ये फूल नहीं रहा है, ऑक्सीजन नहीं जा रहा है, और ये फूलेगा तभी अंदर ऑक्सीजन जाएगा, और वो कुछ सांस नहीं ले रहा तो ऑक्सीजन कहाँ जाएगा, इसलिए उसको बुलाया जाता है कि रोएगा तो खूब ढेर सारा ऑक्सीजन लेगा, फिर जाके वो रो जाती है वो, ठीक है। देखो तो कह रहे सीवियर प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन द सिम्टम ऑफ निमोनिया, यहाँ देखो क्या क्या सिम्टम है, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले बताया था टाइफाइड के सिम्टम को बताया था, पहले बताओ क्या बताया, कॉन्स्टेंट टेम्परेचर कितना, 49 से 50 डिग्री, कितना 39 से 40 डिग्री, दूसरा बताओ वीकनेस, तीसरा बताओ कॉन्स्टिपेशन, चौथा बताओ लॉस ऑफ एपेटाइट, और नेटवर्क हो जाएगा। अब यहाँ देखो सिम्टम ऑफ निमोनिया इंक्लूड क्या क्या होगा, पहले बताओ फीवर, क्या है फीवर, ठीक है, चिल्स, ठंड लगेगी उसको, कपकपी होगी, ठीक है, चिल्स कहते हैं, चिल्स मारो यार, देखो यहाँ जो चिल वाला नहीं है, देखो तो दूसरा होगा हमारे यहाँ पे चिल्स, फीवर हो गया और चिल्स हो गया। अगला हमारे पास का देखो कफ, खांसी होगी उसको, टाइफाइड में खांसी बताया था क्या, खांसी नहीं वहाँ पर, यहाँ पे क्या आ गया, खांसी आ गया, ठीक। देखो फीवर तो वहाँ भी होता है, 39 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा तो फीवर तो वहाँ भी, नाम नहीं दिया गया तो फीवर वहाँ भी, फीवर यहाँ भी, हाँ वहाँ पे चिल्स नहीं था, ठंड नहीं लगती है टाइफाइड बस ना, खेरे यहाँ पे उसको चिल्स कभी लगेगी, ठीक। कफ हो गया और साथ में हेडेक, क्या कॉमन है क्या ये, हेडेक वहाँ भी था, हेडेक यहाँ भी है, तो हेडेक वाला चीज़ें दोनों कॉमन है, अगर हेडेक देखा तो दोनों बीमारियां हो सकती है, खैर ठीक। अब कह रहे हैं इन माने कितनी सिम्टम हो गए, देखो कह रहे हैं कि फीवर हो गया जो वहां भी था यहाँ भी है, और फीवर हेडेक दोनों कॉमन है, अलग से क्या है देखो, चिल्स और कफ, यहाँ ठंड लगती है, कपकपी होती है, और साथ में खांसी भी आती है, तो किसका होगा सिम्टम, निमोनिया का। आगे देखो कह रहे हैं कि इसके अलावा इन सेवियर केसेस, अगर ये बीमारियां बहुत ज्यादा हो गई है,
ठीक है, निमोनिया केस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, तो उस केस में क्या होगा, देखो इन सेवियर केसेस आगे भी सिम्टम आ सकता है, उसमें क्या होगा, लिप्स एंड फिंगर नेल्स में टर्न ग्रे टू ब्लूइश, नॉर्मल कैसा होता है, ग्रे कलर का होता है, लेकिन कैसा हो जाएगा, ये ब्लू कलर का हो जाएगा, ब्लू बाबा बन जाएंगे, नहीं क्या हो जाएगा, ब्लूइश इन कलर हो जाएगा, ठीक है, इन सिवियर केसेस लिप्स इसके होंठ और फिंगर नेल्स में टर्न्स ग्रेस टू ब्लूइश, कोई दिक्कत में आया, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा पहला सिम्टम कौन बताया हमने, यहाँ पे देखो चिल्स कफ फीवर और हेडेक, चार सिम्टम ये हो गए, ठीक, और कह रहे हैं कि ये बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, तो जो आपका जो लिप्स यानी कि जो होंठ होते हैं वो, और साथ साथ जो फिंगर्स नेल्स होते हैं, इसका कलर कैसा हो जाता है, देखो ग्रे से ब्लूइश हो जाता है, कैसा, ग्रे से ब्लू हो जाता है, तो अगर यहाँ पे आप देख रहे हो यहाँ पे इसे नील कैसे दिख रहा है आपको, ग्रे कलर दिख रहा है, ये कैसा होने लगेगा, ब्लू कलर होने लगता है, कैसा, ब्लू कलर का, ठीक है, तो ये ग्रे से ब्लू कलर होने लगता है, कब होगा, लेकिन ये सेवियर केस, बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, तो क्लियर हुआ, तो इसमें लिप्स भी है और फिंगर नेल्स भी है, दोनों चीजें देखो ध्यान से, कह रहे कि हेल्दी पर्सन एक्वायर द इन्फेक्शन बाई इनहेलिंग द ड्रॉपलेट ऑफ और एरोसॉल, कह रही बीमारी फैलती कैसे, कोई इन्फेक्टेड बॉडी को कोई होगा पर्सन, और वो क्या करेगा, वो जिसे आया छींक दिया, खांस दिया, ब्रो मुंह नहीं बंद तो मुंह पे ही खांसते हैं, तो वो उड़ता हुआ कहाँ जाता, सांप में जाता, तो कह रहे हैं जो ड्रॉपलेट है, ठीक है, और जो एरोसॉल है मुंह से जो छींटे होते हैं, नहीं वो लोग जब बात करते तो मुंह से छींटे निकलते रहते हैं, ठीक है, इसलिए लोग उनसे दूरियां बना रखते हैं, अगर बात करेंगे तो थूकना शुरू कर देगा, ठीक है, देखो कह रहे हैं कि जो ड्रॉपलेट होते हैं, ठीक है, और एरोसॉल होते हैं प्लाइवा, करें वो एक पर्सन दूसरे पर्सन में ट्रांसफर हो जाता है, रिलीज बाय एन इन्फेक्टेड पर्सन और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल, या आप क्लास में बैठे हुए हो और उसी पेंसिल को वो कान को जा रहा है, मुंह में डाल रहा है, नहीं मुंह में डाल रखा है, कुछ लोग करते हैं ना मुंह में करते हैं, तो इन्फेक्शन कहाँ से लगा, पेंसिल, उसी पेंसिल, भाई मेरा पेंसिल खत्म हो तो दे दे यार, वो पेंसिल लेकर वो भी शुरू कर दिया, है ना, पहुंच गया फिर इन्फेक्शन, होता नहीं होता है, तो कह रहे हैं कि जो यूटेंसिल हो गया, ठीक है, और साथ साथ में शेयरिंग ग्लासेस, ठीक है, ग्लास चश्मा वगैरह हो गया, या चश्मा तो मैं तेरा चश्मा लगा लेता हूँ, ठीक है, और दूसरी बात यूटेंसिल विद एन इन्फेक्टेड पर्सन, ठीक है, यूटेंसिल मतलब कोई भी सामान हो, ठीक है, उसको आप यूज कर रहे हो, दूसरा यूज कर ले तो उसके वैसे वो इन्फेक्शन पहुंच जाएगा, और ड्रॉपलेट होना चाहिए विद एन इन्फेक्टेड पर्सन डिजेंटी, आप देखो क्या कह रहे हैं, आप देखो इसे बताया गया यहाँ पे डिजेंटी के बारे में बताया गया, क्या कह रहा है, देखो यहाँ पे डिजेंटी दिया हुआ है, डिजेंटी अलग होता है, अमीबिक डिजेंटी अलग होता है, दोनों एक ही नहीं कर देना, डिजेंट्री जो होता है ये बैक्टीरियल बीमारी है, ध्यान रखिए कौन सी बीमारी पढ़ रहे हम लोग, बैक्टीरियल बीमारी पढ़ रहे, जितनी हमने बीमारियां बताई सबके सब कैसी थी, बैक्टीरियल, जो डिजेंट्री होती है बैक्टीरियल डिजीज है, लेकिन अमीबिक डिजेंट्री जो है वो प्रोटोजोआ डिजीज है, आसान कुछ इसको बोलते हैं पेचिस आना, क्या होता है पेचिस आना, वो अमीबिक डिजेंट्री है, ठीक है, और ये जो दिया गया उसको अमीबियासिस बोलते हैं, ये डिजेंट्री जो होता है ये बैक्टीरियल बीमारी होती है, कौन सी होती है, बैक्टीरियल बीमारी होती है, ठीक है, तो डिजेंट्री होता है, और उस बैक्टीरिया का नाम क्या, देखो साइजेला, ये है क्या बैक्टीरिया, तो ये डिजेंट्री जो होता है साइजेला बैक्टीरिया होता है, लेकिन अमीबी डिजेंट्री पूछेगा तो किससे होता है, एंटामीबा हिस्टोलेट का, पीछे पढ़ाया था एंटामीबा हिस्टोलेट का, ठीक है, वो क्या है प्रोटोजोआ होता है, तुम्हारे कुछ दोनों बीमारी अलग अलग है, पता लगा डिजेंट्री हो गया उसको ट्रीटमेंट करा रहे हैं, हमें भी डिजेंट्री का दवा देते जा रहे हैं, ठीक है, नहीं होगा, जब बीमारी बैक्टीरियल है तो प्रोटोजोआ मेडिसिन कैसे ठीक हो जाएगा, पता है कुछ, इसलिए कह रहे हैं बीमारी को पहचानना ठीक है, तो कह रहे हैं डिजेंट्री हो गया, इसके अलावा प्लेग हो गया, क्या हो गया प्लेग, डिप्थीरिया, इसको गला घोटू बोलते हैं, पता नहीं होता डिप्थीरिया क्या है, गला घोटू, तो कह रहे हैं डिजेंट्री हो गया, प्लेग हो गया, डिप्थीरिया हो गया, ये भी कैसी बीमारियां हैं, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियां हैं, कौन सी बैक्टीरिया से, ठीक है, देखो क्लियर है, प्लेग जो चूहे जो मर जाते हैं इन्फेक्शन होता है, ठीक है, प्लेग होता है वो भी क्या है बैक्टीरियल डिजीज है, प्लेग में जो होता है आदमी जो इन्फेक्शन होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और इतना इन्फेक्शन हो जाता है कि आदमी चल भी नहीं पाता है, जहां खड़ा वहीं गिर जाएगा जमीन पे, ठीक है, जो कि हमारा प्लेग, ये इंडिकेशन होता है जहाँ पे खासकर जो चूहे होते हैं ना, चूहे भी इन्फेक्शन होता है और चूहे से भी ये फैल जाते हैं, अगर चूहे, अगर सबसे पहले चूहे मरते हैं, आदमी तो इम्यून सिस्टम रहता है, चूहे में इतना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है,
चूहा कहीं मरते हुए अचानक आपको एक जगह चूहे मरते हुए दिखाई देंगे, तो सिम्टम होता है कि यहाँ पे प्लेग हो सकता है। देखो आर सम ऑफ द अदर, ये कुछ बीमारी बैक्टीरियल डिजीज इन मैन, तो कुछ बीमारी हमने यहाँ पे बताई। सबसे तो पहले हमने बताई कौन सी, टाइफाइड, जो होता था किससे, सामरेला टाइफी से, है ना। और दूसरी बीमारी हमने बताई यहाँ पे कौन सा, निमोनिया। निमोनिया किससे होता है, स्ट्रेप्टोकाकस निमोनिया, दुनिया रखना ठीक है। इसके बाद हमने बताया आप कौन सा, डिजेंट्री, उससे बताया हमने प्लेग और डिप्थीरिया ठीक है। और डिप्थीरिया हम लोग बोलते हैं गलाघोटी, क्या बोलते हैं, गलाघोटी। तो ये कुछ बीमारियां हैं जो किससे होते हैं, बैक्टीरिया से, किससे, बैक्टीरिया से ठीक है। अब ये तो हमारी बीमारी खत्म हो गई बैक्टीरिया वाले, अगला हमारे पास है कौन सा, वायरल बीमारी। देखो यहाँ देख लेते हैं, यहाँ पे सबको अलग अलग रखा गया है। देखो क्या हो गया, देखो अगली बीमारी कौन सी होगी, देखो वायरल बीमारी ठीक। जो वायरस होते हैं भी क्या करते हैं, बीमारी काज करते हैं ठीक। कह रहे हैं देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मैनी वायरस आल्सो कॉजेस डिजीज, मैंने लिखा हुआ है सारे आर वायरस नहीं लिखे हुए हैं कि ऑल वायरस कॉजेस डिजीज। देखो मैनी वायरस कॉजेस डिजीज ठीक, आल्सो कॉजेस डिजीज इन ह्यूमन बींग, जैसे यहाँ एक बताया गया रिनो वायरस, कौन सा वायरस, रिनो वायरस ठीक है। और रिनो वर्ड यूज करते हैं नोज के लिए, किसके लिए, नोज के लिए, फिर रिनोप्लास्टी, प्लास्टिक सर्जरी करके नाक को बदल दिया जाता है। जैसे अखिलेश यादव देखा होगा, अपने नाक किधर टेढ़ा है, देखा नहीं, देखा अखिलेश यादव का, नहीं देखा ठीक है। अब ठीक है उनका अपना नहीं करा रहे, अदरवाइज प्लास्टिक सर्जरी करा के सीधा करा सकते हैं, लड़कियां बहुत करवाती हैं, नाक ऊपर नीचे चौड़ा पतला पता नहीं क्या रहता है। देखो कह रहे कि रिनो प्लास्टिक लग रहा है, लोग नाक ही देखते हैं उनके, है ना। देखो खैर भ्रम है उनका, रिनो वायरस की बात करें आप, देखो रिप्रेजेंट वन सच ग्रुप ऑफ वायरसेस विच काजेस वन ऑफ द मोस्ट इन्फेक्शियस ह्यूमन एलिमेंट, क्या बोलता है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में जो वायरस होता है कहाँ इन्फेक्शन करता है, नोज वाले पार्ट, नेजल पैसेज में, कभी भी ये लंग्स पे इन्फेक्शन नहीं करता। कॉमन कोल्ड का जो वायरस होता है रिनो वायरस कभी लंग्स को इन्फेक्ट नहीं करता, किसको करता है, नेजल पैसेज को ठीक है। देखो कॉमन कोल्ड यानी किसी को बोलते हैं जुकाम कुराइजर ठीक है, तो कॉमन कोल्ड किससे होता है, रिनो वायरस से ठीक है। देखो आगे, दे इन्फेक्ट द नोज, ध्यान रखिएगा, दे इन्फेक्ट द नोज एंड रेस्पिरेटरी पैसेज बट नॉट द लंग्स, कभी भी ये लंग्स को इन्फेक्शन नहीं करते हैं ठीक है। जिससे सांस हवा जा रही उसको इन्फेक्शन कर सकते हैं, लेकिन कभी भी लंग्स को इन्फेक्शन नहीं करते। कौन कौन सा वायरस, रिनो वायरस ठीक है। देखो आप कह रहे हैं कि द कॉमन कोल्ड इज कैरेक्टराइज बाई, कैसे पता चलेगा कि जुकाम हो गया है, बताएं जो थे क्या, पहले बताओ क्या बताया, देखो हाँ नेजल डिस्कंजेशन, कह रहे हैं यहाँ पे नेजल कंजेशन, नाक बंद हो जाएगा ठीक है, क्या बताएंगे, नेजल कंजेशन हो जाएगा ठीक। तो देखो डिस्चार्ज भी हो जाएगा ठीक है, नाक से बेहतर रहेगा तो कुछ नाक बह रहा है। दूसरा देखो नेजल डिस्चार्ज, नाक बंद हो जाएगा, सांस में काफी दिक्कत, नींद नहीं आती। सोर थ्रोट, गला जो है भारी भारी लगेगा ठीक है, सोर थ्रोट ठीक है। हॉर्सनेस, आवाज जो बहुत अजीब सी आवाज आएगी, है ना, हॉर्सनेस, भारी भारी सा आवाज आएगा। कफ, खांसी हो जाती है, क्या होती है, खांसी हो जाती है। इसके अलावा हेडेक ठीक है, अच्छा कफ और हेडेक जो बताया था ये हमने वहां भी बताया था, किसमें, निमोनिया केस में, तो मैच करते जाना ठीक है। बाकी चीजें यहाँ पे अलग है, पता कर सकते हो ठीक है। दूसरी बात देखो क्या है, देखो यहाँ पे टायर्डनेस, थकान लगती है, क्योंकि जो आपको लगातार नाक बहते रहेंगे तो क्या होगा, आपके जितने भी साल्ट है बॉडी के, मिनरल सॉल्ट का, निकल जाएंगे, सोडियम पोटेशियम क्लोराइड, आपने देखा होगा कभी जुकाम होकर होता तो आपको सुनाई में देना कम हो जाता है। तो देखा है? कोई बोलता है यार थोड़ा देर तेज तेज बोल नहीं सकते हो क्या, ठीक, वो तेज बोल रहा होता है, सुनाई हमें कम देता है, क्योंकि अंदर का जो हमारा वो साल्ट वगैरह निकल जाता है, जिससे नर्वस सिस्टम में बहुत स्लो काम करने लगता है, सोडियम पोटेशियम चैनल थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है, बस है कुछ, इसकी वजह से जो है ये दिक्कतें आती है। खैर तो कहने की ये हो गया, और इससे क्या होता है, हाँ जब आपके अंदर के साल्ट निकल जाएंगे बाहर तो आपको कैसे लगेगी, थकान लगेगी, टायर्डनेस मतलब थकान लगेगी आपको ठीक। ये चीजें थी, टायर्डनेस हो गया इस सकता है, विच यूजली लास्ट फॉर 3 to 7 days, कैसा होता है, देखो 3 से 7 दिन में ये क्या होता है, आता है और चला जाता है ठीक।
अपने आप दबा लोगे तब भी नहीं होगे, तब भी देखो क्रिएट ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजिंग ऑफन। कैसे फैलता है? किसी आदमी को अगर जुकाम है अब क्या करेगा, वो छींकेगा या खांसेगा, उसका वायरस दूसरे में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, ड्रॉपलेट रिजल्टिंग फ्रॉम कफ और स्नीजिंग, खांसता है या छींकता है, ठीक है, उससे क्या होगा, वो दूसरा आदमी के अगर वो ड्रॉपलेट पहुंच गया मुंह में, ठीक है, और ट्रांसमिटेड थ्रू द कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट सच ए पेन, तो उससे भी वो बीमारी फैल जाएगी, पेन इन्फेक्शन है। ठीक है, बुक्स हो गया, ठीक है, बुक्स आपने मान लो भाई बुक दे दे लिखने के लिए, और बुक्स पे सारा इन्फेक्शन फैलाया हुआ, वो छींक छींक के पूरा बुक जो है गीला कर दिया उसने। नहीं, आप देखें जुकाम कितनी बुरी हालत हो जाती है। ठीक है, कप्स हो गया, ठीक है, देखो डोर नॉब्स हो गया, ठीक है, जैसे डोर नॉब खोलते दरवाजा, तो उसमें हाथ से पूछ रहा है ना, हाथ से जो है वो पकड़ लेगा, और जो जाएगा उसको पकड़ेगा तो उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक, कंप्यूटर कीज हो, कंप्यूटर चला रहा है उसी, वो बैठा हुआ, उसने कंप्यूटर यूज किया, आप भी बैठ के उसी जगह, तो क्या हो जाएगा, फिर वो आपको इन्फेक्शन हो जाएगा। ठीक, माउस, ठीक है, पहले तो साइबर कैफे चलते थे, पता नहीं था साइबर कैफे में लोग बैठते थे, हैं, तो उसमें बैठ के जो है लोग नेट वगैरह यूज़ कर 10-20 रुपये 25 रुपये ऐसे पड़ते थे। आप तो घर में अपने हाथ में नेट रहता है मोबाइल में। ठीक, करेंगे एंड काजेस इन्फेक्शन इन ए हेल्थी पर्सन, इस तरीके से बीमारियां फैलती हैं। इंपॉर्टेंट देखो, जो कुराइजा यानी कि जुकाम कॉमन कोल्ड की बात करें, कौन से वायरस होता है ये इंपॉर्टेंट है, क्या बताओगे, राइनो वायरस। ठीक, दूसरा कह रहे हैं किसको किसको इन्फेक्ट करता है, ये इंपॉर्टेंट है, नोज को, रेस्पिरेटरी पैसेज को, बट नेवर द लंग्स, कभी लंग्स का इन्फेक्शन नहीं होता है। जैसे इसके पहले जो निमोनिया बताया था वहां में लंग में इन्फेक्शन होता है, लंग में किस में, एल्वियोलाई में, क्या करता था वहां इन्फेक्शन करके, फ्लूड भर जाता है, पानी भर जाता है, उससे क्या दिक्कत हुई थी, गैस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ऑक्सीजन पहुंच नहीं पाएगा ब्लड से, ठीक है, ब्लड से हमारे टिश्यू में, इसकी वजह से सफोकेशन से बच्चे की या किसी उसके आदमी की डेथ हो जाती थी। ठीक, तो ये हम लोग बात करें। अच्छा, निमोनिया जो का होता था किससे होता था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या हेमोफिलस इन्फेंजी, दोनों से। देखो यहाँ पे तो ये हम लोग कुछ बात करें यहाँ पे, ठीक है, देखो तो पहला बीमारी बताया हमने जो बैक्टीरिया से काश होने वाले थे, कौन कौन बीमारी बताई, टाइफाइड बताया पहले, दूसरा क्या बताया, निमोनिया बताया, तीसरा क्या बताया, कॉमन कोल्ड, डिजेंट्री, उसके बाद क्या बताया, प्लेग, फिर क्या बताया, डिप्थीरिया, समझ आ गया, ये बैक्टीरिया से। अब अगला हमारे पास बताया गया, उसके बाद वायरस से बताया गया, वायरस में कौन सा बताया हमारा, कॉमन कोल्ड बताया गया। ठीक, देखो कॉमन कोल्ड जो कि काफी कॉमन है। देखो यहाँ पे अगला हमारे पास कौन सा, देखो मलेरिया है, प्रोटोजोवा वाला, ठीक है, प्रोटोजोवा, तो प्रोटोजोवा से होने वाले यहाँ पे बीमारियां देखो, और हमने बताया था कि टाइफाइड का, सॉरी निमोनिया का अगर इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाए तो क्या सिम्टम नजर आएगा, है, नाखून या लिप्स, दोनों कैसे हो जाएंगे, गुलाबी, ग्रेट है गुलाबी, इससे अच्छा क्या, फिर तो लिपस्टिक जरूरत ही नहीं है कि होंठ पूरे गुलाबी हो गए, इन्फेक्शन करवा लो फिर तो मजा ही मजा है ना कि नहीं, चलो लिपस्टिक की खर्चा बच जाएगा, है कि नहीं देखो यहाँ पे तो हम लोग कह रहे थे यहाँ पे, तो ग्रे से कैसा हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रे से ब्लू हो जाएगा। अच्छा ठीक है, एक और बीमारी होती है जिसमें बॉडी हमारा पूरा ब्लू ब्लू हो जाता है, बताओ, ब्लू होता है, नाइट्रेट पॉइजनिंग है, उसको बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम, नाइट्रेट पॉइजनिंग होती है तो उसकी वजह से भी हो जाता है, पूरा बॉडी जो है ब्लू पड़ जाता है। यहाँ तो सिर्फ क्या है, नाखून की बात कर रहे हैं, है ना, होंठ की बात कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे पूरी बॉडी ब्लू हो जाती है। ठीक, देखो तो ये हम लोग बात करें यहाँ पे, तो अगला हमारे पास कौन सा है, देखो प्रोटोजोवा, कौन सा, प्रोटोजोवा, सम ऑफ द ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय प्रोटोजोवा, कह रहे हैं ये प्रोटोजोवा से बीमारियां होती है। ठीक, कह रहे कि यू माइट हैव हियर अबाउट द मलेरिया, कह रही आपने मलेरिया के बारे में तो सुना ही होगा, बिल्कुल सुना है। ठीक, कह रही ए डिजीज मैन हैज बीन फाइटिंग सिंस मैनी ईयर्स, और पहले जो है काफी सालों से आदमी जो है मलेरिया से परेशान है, उसे फाइट कर रहा है। ठीक है, कह रही प्लाज्मोडियम इटिनी प्रोटोजोआ, नाम देखो टीनी प्रोटोजोआ, मतलब बहुत छोटा छोटा, लेकिन काम क्या करता है, बड़ा करता है, छोटा लेकिन काम बड़े हैं। देखो कह रहे हैं कि प्लाज्मोडियम टीनी प्रोटोजोवा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिजीज, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लाज्मोडियम, कौन कौन सी, देखो यहाँ पे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, क्या है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई एंड प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम,
एक और होता है प्लाज्मोडियम ओवेल। तीनों हो गए तो ये क्यों छूटे? ठीक है, तो प्लाज्मोडियम ओवेल, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, इन सबसे क्या होता है? मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम ओवेल, ठीक है। एक पूछा जाता है इसमें सबसे सेवियर मलेरिया किससे होता है, ये सबसे खतरनाक मलेरिया किससे होता है ना, इसको बोलते हैं प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम। क्या बोलेंगे? प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये कहें कह रहे कि ये डिफरेंट टाइप के मलेरिया काज करता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इसको हम लोग बोलते हैं एक मेलेनिन मलेरिया भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेलेनिन मलेरिया। तो अगर आपसे पूछते हैं मेलेनिन मलेरिया किससे होता है, ये सबसे डेंजरस मलेरिया किससे होता है, सबसे सीवियर मलेरिया किससे होता है, क्या बताएं? प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम पे ही पूछा। देखो लिखा हुआ है आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मलेरिया। मेलेनिन मलेरिया की बात करते हैं, कह रहे कि मेलेनिन मलेरिया काज वाई किससे होता है? देखो प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम इज द मोस्ट सीरियस ऑन द एंड कैन इवन बी फैटल, जानलेवा भी हो सकता है। क्या हो सकता है? जानलेवा भी हो सकता है। पास में नहीं है? अब देखो यहाँ पे क्या है, तो ये चीजें हैं जिसपे कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है, ठीक है, फल्सीपेरम वाला। और इसका जो देखो नॉर्मल कैसे पता चलेगा, इसके जो सिम्टम होते हैं वो कैसे होते हैं पता है ना, ठंड होके बुखार आता है, एक टाइम होता है, ठीक, चिल होगा। ऐसा चिल मैंने कहाँ बताया था? निमोनिया में चिल होगा, ठीक है। तो कह चिल मारो, क्या दिक्कत है? चिल हो गया, चिल मारो। देखो तो कह रहे हैं यहाँ पे ठंड देख, लेकिन यहाँ पे क्या नॉर्मली क्या होता है, 12 से 15 घंटे लगते हैं इसमें, 8-8 घंटे, 6-6 घंटे बुखार लगते हैं, टाइम घड़ी देख के इसे हुआ तो बुखार शुरू। तो ये होता है किसमें? मेलेनिन मलेरिया, ठीक है। सबसे ज्यादा डेथ जो अगर मलेरिया में होती है तो इसी से होती है, क्लियर है। फिर से देखो आपने पढ़ा है वायरस के बारे में, वायरस कॉमन कोल्ड ब्रामिक कारण कौन सा वायरस था? राना वायरस, ठीक है। ध्यान रखिएगा राना वायरस का इन्फेक्शन कभी भी लंग्स पे नहीं होता है, पूछा गया क्वेश्चन, गड़बड़ मत कर देना इसको। हाँ रेस्पिरेटरी पैसेज को भी हो और नोज वाले इतने पोर्शन को होगा बस, ठीक है। दूसरी बताए थे कौन कौन से हमने इसमें सिम्टम बताए थे, गला भारी हो जाएगा, हॉर्सनेस हो जाएगा, नाक बंद हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, खांसी होगी और हेडेक होगा, ठीक है। और साथ साथ सारा मिनरल्स निकल जाएगा, छींकते छींकते तो क्या हो जाएगा, थकान थकान लगेगी, है कि नहीं? देखो और कैसे फैलता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से, एक को जुकाम में छिंक दिया, दूसरा ड्रॉपलेट दूसरी जगह चला गया, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा। इस बात हमने पढ़ा था यहाँ पे प्लाज्मोडियम के बारे में, जो कि प्रोटोजोआ होता है, ठीक है। और प्रोटोजोआ हमने बताया कि जो मलेरिया होता है वो कई टाइप के होते हैं, जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम। इसमें जो मेलेनिन है ये सबसे सेवियर है, ये सबसे डेंजरस मलेरिया है, मेलेनिन है वो किससे होता है? प्लाज्मोडियम फल्सीपेरम, ठीक है। ये कुछ बातें आप इसमें ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं आगे, अगला हमारे पास है, अब जो ये हो गया आपका प्लाज्मोडियम के बारे में, कुछ प्लाज्मोडियम के बारे में जानकारी यहाँ पे दी गई, थोड़ा डिटेल में है प्लाज्मोडियम, यहाँ पे डिटेल में देखो करें कि लेट अस टेक ए ग्लैंस एट द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम। यहाँ पे प्लाज्मोडियम का लाइफ साइकिल बताया गया है, ठीक है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, ठीक है। फिगर 8.1, प्लाज्मोडियम इंटर द ह्यूमन बॉडी एज ए स्पोरोजॉइट, इंपॉर्टेंट चीज है, पहला पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट। कई बार पूछा गया है कि जो प्लाज्मोडियम होता है, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में इंटर करता कैसे? स्पोरोजॉइट से, और ये इन्फेक्शस फॉर्म होता है। तो मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम है स्पोरोजॉइट। क्या नाम है संजय? स्पोरोजॉइट। और मच्छर के लिए या मच्छरायन के लिए? दोनों के लिए। मच्छरायन के लिए कौन है? मच्छरायन के लिए कौन? नहीं, हम कह रहे हैं ह्यूमन के लिए जैसे स्पोरोजॉइट है वैसे ही आदमी से मच्छर में भी बीमारियां फैलती है, नहीं फैलेगा? अरे भाई ये समझो, अब कोई आपके पास लाइसेंस तो होता नहीं है कि हाँ भाई कोई काट के गया मच्छरायन, काट के गए और दूसरी मच्छरायन आ गई, बातचीत हुई और रास्ते में किसको काटा था तुमने? अच्छा वो ऐसा अंडा था, सो रहा था, मुंह फाड़ के उसे मैंने काट लिया था। अच्छा ठीक, हम उसको नहीं काटेंगे, हम किसी और को काटेंगे, ऐसा होता है क्या? नहीं होगा। बेटा बहुत तेज है, देखो यहाँ पे। तो जो
आदमी के लिए इन्फेक्टिव स्टेज है वो है स्पोरोजोइट, और मच्छर के लिए जो है उसको बोलते हैं गैमेटोसाइट। क्या बोलते हैं? गैमेटोसाइट। अभी आएगा, ठीक है। यानी कि अगर किसी आदमी में इन्फेक्शन है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या मिलेगा? गैमेटोसाइट। और कोई मच्छराइन आके काट लेंगे उनको, तो गैमेटोसाइट कहाँ चला जाएगा? उस मच्छर के अंदर, मच्छराइन के अंदर। वो मच्छराइन को कोई भी इन्फेक्शन नहीं था, लेकिन वो आपकी वजह से मच्छर उसको इन्फेक्शन हो गया। पास ना कुछ हेल्दी मच्छराइन थी, उसको इन्फेक्शन हो गया आपकी वजह से। वजह क्या हो? तुम हो। पास ना कुछ तो ये हमारा मच्छराइन। अब वो मच्छराइन किसी दूसरे आदमी काटेगी तो उसको फैला जाएगी। इस तरीके से ये फैलता है। वही यहाँ पे कह रहे हैं, देखो इन्फेक्शस फॉर्म। कई बार पूछा गया है कि मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताइए मलेरिया में, क्या बताओगे? प्लाज्मोडियम में स्पोरोजॉइट, क्या बताओगे? स्पोरोजॉइट। और मच्छर में गैमेटोसाइट। देखो कैरी के थ्रू द बाइट ऑफ इन्फेक्टेड फीमेल एनोफिलीज। देखो क्या लिखा हुआ, फीमेल एनोफिलीज। यहाँ कर देगा कौन सेंटेंस गलत है, रीस लगा देगा मेल एनोफिलीज। मेल एनोफिलीज नहीं काटता है, फीमेल काटती है, ठीक, ध्यान रखना इसमें। हाँ, हमेशा फीमेल ही काटती है, बस के रही है। देखो कह रहे द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। कह जो पैरासाइट होता है इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। जैसे यहाँ देखो, सबसे पहले जब ये काटती है तो आपको देखा होगा जहाँ पे मच्छर काटती है वहाँ खुजली होती है, ठीक है, खुजली होती है। खुजली होने से क्या होगा, वहाँ थोड़ा खुजली उधर निकल जाए तो वो जो आपके ब्लड में जाता है स्पोरोजॉइट, कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। ब्लड में जाने के बाद फिर कहाँ पहुँचते हैं? डायरेक्टली लीवर में। उनको पता रहता है कहाँ लीवर में पहुँचना है, और लीवर में आराम से बढ़िया आराम से थोड़े से रहेंगे। तो सारा न्यूट्रिशन कहाँ जाता रहता है? लीवर में। तो लोग इन्फेक्शन कहाँ करती है ब्लड के बाद? लीवर में। देखो द पैरासाइट इनिशियली मल्टीप्लाई विद इन द लीवर सेल। शुरुआत में लीवर सेल पे मल्टीप्लाई करती है, ठीक है, ब्लड सेल कहाँ जाएंगे? लीवर सेल पे। देन अटैक द रेड ब्लड सेल। और कहाँ जाएंगे उसके बाद? रेड ब्लड सेल पे। मतलब क्या है, जैसे मच्छर काटते तो लीवर तो काटेगी नहीं, कि मच्छर आए नहीं और लीवर को काट दिया है। जैसे उसको पता है, उसने पूरा साइंस पढ़ रखा है कि अच्छा लीवर है यही काटना है, ऐसा तो नहीं है। मच्छर जब काटेगा तो कहाँ काटेगा? हार्ट में खुलेगा, हार्ट वाला पोर्शन खुला रहता है, या पैर में काट लिया, ऑर्गन काटेगा नहीं। इसके बाद जैसे काटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ब्लड है, तो ब्लड सर्कुलेशन के माध्यम से कहाँ पहुँचता है? लीवर में। और लीवर में कुछ देर तक रहेंगे, आराम करेंगे, चाय पानी पियेंगे, फिर कहेंगे कहीं और चलते हैं। कुछ मच्छर, सॉरी, कुछ जो स्पोरोजाइट हो गए, हम यहीं रहेंगे, हमारा मन लग गया, यहीं नहीं जाएंगे। और कुछ कहेंगे अरे यार यहाँ आए तो थोड़ा घूम टहल लेते हैं, वहां से फिर निकलेंगे, ब्लड में आ जाएंगे। देखो लिखा हुआ है, कह रहे अटैक द रेड ब्लड सेल आरबीसी रिजल्टिंग इन देयर रप्चर। उसके बाद फिर से लीवर निकल कहाँ जाएंगे? आरबीसी को रप्चर करेंगे, रेड ब्लड सेल को रप्चर करेंगे, ठीक है। और फिर क्या होगा? देखो द रप्चर आरबीसी एसोसिएटेड विद द रिलीज ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस हिमोजोइन। अब जो आरबीसी को इन्फेक्शन इन्होंने किया था, इन्फेक्शन कर करके पूरा आरबीसी टूट गया, ठीक। आरबीसी टूटेगा तो क्या होगा? तो हीमोग्लोबिन ब्रेक डाउन कर जाएगा, आपके अंदर क्या कमजोरी आ जाएगी। तो कह रहे हैं यहाँ पे आरबीसी एसोसिएट विद द टॉक्सिक सब्सटेंस, उस आरबीसी से जिसमें इसका इन्फेक्शन हो गया है इस प्रोजेक्ट का, उसमें से क्या निकलेगा? हीमोजोइन। क्या निकलेगा? हीमोजोइन, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिल एंड हाई फीवर। और जब ये हीमोजोइन आरबीसी टूटेगा, हीमोजोइन निकलेगा, तो उसी दौरान ठंड आती है। अगर आपको ठंड आ रही हो उस दौरान, तो इसका मतलब क्या है कि आपके आरबीसी उसी दौरान टूट रहे हैं, ठीक। तो चील होगा, ठंड होगा, साथ साथ में क्या होगा? फीवर आता है, हाई फीवर, ठीक। रिकरिंग एवरी 3 to 4 days, हर 3 से 4 दिन में ये बार बार रिपीट होता रहता है, अलग अलग मच्छर के हिसाब से, ठीक है। किसी में 8 घंटे, किसी में 12 घंटे, किसी में 2 दिन, किसी में 3 दिन। तो 3 से 4 डेज में बार बार क्या होगा? ये रिकरिंग होता रहता है, ठीक है, एवरी 3 to 4 डेज। आप क्या करें? व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एंड इन्फेक्टेड पर्सन, आप क्या होगा? मैंने बताया ना अभी कि मच्छराइन जो है, जरूरी नहीं कि वो इन्फेक्टेड हो, जो आपको काटती थी वो इन्फेक्टेड, वो इन्फेक्शन फैला के कोई और फीमेल गई। अब दूसरी कोई सीधी साधी फीमेल आई जो आपको काटी मच्छराइन, उसको इन्फेक्शन हो गया आपके माध्यम से। वही करें, देखो व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज, इसलिए जब देखा होगा किसी एक पार्टिकुलर एरिया में जब मलेरिया होता है, तो उस पार्टिकुलर एरिया में सबको मलेरिया हो जाता है। उसकी वजह ये, क्योंकि एक मच्छराइन जब काम से लेगा नहीं, इसको काटा, उसको काटा, इसको काटा, सबको काट काट के सबको मलेरिया इन्फेक्शन आ देगी। व्हेन ए फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो बाइट्स एन इन्फेक्टेड पर्सन, दीज पैरासाइट इंटर द मॉस्किटोज क्या बॉडी। अब ये मॉस्किटो की बॉडी में अंदर इंटर कर जाएगी एंड अंडरगोस फर्दर डेवलपमेंट, और उसके अंदर इंटर कर जाएगी, इंटर करने के बाद उसमें फिर से उसको इन्फेक्शन हो जाएगा। कहने के द पैरासाइट मल्टीप्लाई विद इन
टू फॉर्म स्पोरोजाइट, और उसके अंदर क्या बन जाएगा, स्पोरोजाइट कैसे बनेगा अभी बता रहे हैं। एक स्पोरोजाइट किसके अंदर बनता है, मच्छराइन के बॉडी के अंदर बनता है, कौन, स्पोरोजाइट। पास में कुछ देखो, दैट आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड, और बनने के बाद, स्पोरोजाइट बनने के बाद मच्छराइन के सलाइवरी ग्लैंड में क्या कर जाएंगे, स्टोर हो जाएंगे, वहीं इकट्ठे रहेंगे बिल्कुल रेडी तैयार, ठीक तैयार बैठे हुए सलाइवरी ग्लैंड में, और जैसे ये मच्छराइन जाएंगे किसी काटेंगे निकल के उस पर चले जाएंगे, ठीक वही कह रहे हैं यहाँ पे, आर स्टोर्ड इन देयर सलाइवरी ग्लैंड। तो देखा जाए तो स्पोरोजॉइट जो है इसका स्टोरेज हाउस कहाँ पे है, सलाइवरी ग्लैंड में है, कहाँ होते हैं सलाइवरी, बन बन के सलाइवरी ग्लैंड में इकट्ठे रहेंगे। व्हेन दिस मॉस्किटो बाइट ह्यूमंस, द स्पोरोजॉइट आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हर बॉडी, क्योंकि जो मच्छराइन होती है जरूरी नहीं का किसी आदमी को काटे, किसी औरत को भी तो काट सकती है, किसी को काट सकती है, वही कह रहे हैं उसके बाद जैसे काटेगी स्पोरोजॉइट निकल के उनके बॉडी में चला जाएगा, ठीक। अब करें तो द स्पोरोजॉइट आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज और हिट देयरफॉर इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशनिंग अबव, बाकी जो प्रोसेस वैसे जैसे चल रहा है तो वैसे चलता रहेगा। मछलाएं फीमेल को काटती है, फीमेल में क्या होगा, यहाँ पर खुजली हो, खुजली होने के बाद यहाँ ब्लड से होते हुए कहाँ चले जाएंगे, लीवर में, कुछ लीवर में रहेंगे, कुछ वहाँ से फिर निकलेंगे और आरबीसी सेल को रप्चर करेंगे, रप्चर करने से क्या निकलेगा, केमिकल हीमोजॉइन, कहाँ निकलेगा हीमोजॉइन, और हीमोजॉइन जब जब निकलेगा बुखार होगा और ठंड लगेगी, ऐसे उसको कम्बल वम्बल पढ़ा देंगे लोग, है ना, ऐसे कम लगेंगे, उसके बाद क्या होगा देखो, और ये चीज़ कब कब होगा, हर तीसरे से चौथे दिन होगा, बस ना अलग मच्छर में अलग अलग होता है, ठीक करेक्ट। कह रहे हैं कि हर बॉडी देयर बाई इनिशिएटिंग द इवेंट मेंशनिंग इवेंट, तो जो ऊपर का इवेंट है कि 3 से 4 दिन में उसको क्या होगा, ठंड लगेगी और बुखार आएगा। फिर द स्पोरोजाइट आर इंट्रोड्यूस इनटू हिज हर बॉडी देयर बाई इनिशिएटिंग इवेंट मेंशनिंग द एबो। इट इज इंटरेस्टिंग टू नोट दैट द मलेरियल पैरासाइट रिक्वायर्ड टू होस्ट, कह रहे जो मलेरियल पैरासाइट होता है इसके लिए कितने होस्ट चाहिए होते हैं, एक तो मच्छर है दूसरा आदमी है, एक मच्छर दूसरा आदमी, तो दोनों परेशान है, दोनों परेशान, मच्छर ही परेशान बेचारी और आदमी परेशान बेचारा, है कि नहीं, क्योंकि इसका जो बीमारी कास्ट करने वाला ना तो मच्छर है ना तो आदमी है, सच बात कौन है, प्रोटोजोआ है, प्लाज्मोडियम है, तो खेल प्लाज्मोडियम कर रहा है, मच्छरान को भी काट रहा है, मच्छर को भी काट रहा है, दोनों लोग देखो, टू होस्ट, पहला बताया कौन सा ह्यूमन, दूसरा देखो क्या है मॉस्किटोस, टू कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल, जब दोनों लोग रहेंगे तभी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी, अदरवाइज नहीं होगी, मतलब कुछ तो दो में एक को अगर मार दो लाइफ साइकिल नहीं हो पाएगी, इसका मतलब मच्छर प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, कि या तो आदमी को मार दो या तो मच्छर को मार दो, क्या करोगे अदरवाइज चल गया अभियान के आदमी को मारो, ठीक है, ताकि मलेरिया खत्म हो जाए, है कि नहीं, देखो यहाँ पे तो दो होस्ट में थे, इसलिए कहते क्या करते हैं, मच्छर को मार देते हैं, ह्यूमन एंड मॉस्किटो, टू कंप्लीट हिज लाइफ साइकिल, द फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो इज द वेक्टर, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो होती है ये क्या होती है, वेक्टर होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसमिटिंग एजेंट, क्या होता है ट्रांसमिटिंग, ध्यान रखना फीमेल है मेल नहीं है, अच्छा मेल क्या करता होगा फिर देखता होगा कि मच्छराइन क्या कर रहे हैं, क्या हरकतें कर रही है मच्छराइन, देखो तो मेल जो होता है वो नेक्टर को सक करता है, जो फूल होते हैं फ्लावर उसको तो नेक्टर को जो को सक करते हैं उसे अपना गुजारा करते हैं, वही खाना होता है, मतलब फ्लावर का नेक्टर को चूसता है, चूसने के बाद जो उसको उसे से उसका पेट भर जाता है, लेकिन इनका फेर बिना खून चूसे नहीं भरता है ना, खून चूसिंग एजेंट होती है कि नहीं, देखो तो हम लोग बात करें यहाँ पे किसके, और इसको बेटर तरीके समझ पाओ, अच्छा आई होप समझ गया ना पूरा, और फिगर से भी इसको समझा देते हैं, अब क्वेश्चन जो बन रहा है वो हम बताते जाओ फटाफट जल्द, पहला हमने बताया कि मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताओ, मैन के लिए इन्फेक्टिव स्टेज का नाम बताओ स्पोरोजॉइट, और फीमेल के लिए कौन है गैमेटोफाइट, अभी आएगा फिगर, ठीक है ये चीज तो ये होगा। दूसरी बात जो है, जो ये स्पोरोजॉइट होते हैं ये कहाँ पे इकट्ठे होते हैं, मॉस्किटो में, सलाइवरी ग्लैंड में, कहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड में, ठीक है, और बताया था यहाँ पे जैसे ह्यूमन को काटेंगे तुरंत क्या होगा, वहाँ पे खुजली होती है, खुजली होने के बाद वो कहाँ चले जाएंगे लीवर में, लीवर कुछ लीवर में रहते कुछ वहां से निकलेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आरबीसी को रप्चर करेंगे, जैसे रप्चर करेंगे तो उसमें केमिकल निकलेगा हीमोजॉइन, जब जब निकलेगा फील होगा और फीवर होगा, ठीक है ये चलता रहता है, उसके बाद किसी की बॉडी के अंदर गैमेटोफाइट बनता है, जैसे कोई मच्छराइन जो है वो काटेगी तुरंत ये इन्फेक्शन उसके बॉडी में चला जाएगा, इस तरीके से प्रोसेस पूरा चलता रहता है, कुछ
मच्छर के लिए गैमेटोसाइट और ह्यूमन के लिए स्पोरोजाइट, ये इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं, कुछ समझ में आया। और तीनों जो चार हमने बताए थे कौन कौन सी वैरायटी बताई थी, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम और प्लाज्मोडियम ओबेल। ठीक है, तो ये देखो जरा, ये हम लोग बात करते हैं इसके प्लाज्मोडियम ओबेल की। और कुछ इसके जो है डायग्राम से, इसमें तो कुछ है ही नहीं है, जो बेसिकली जो डायग्राम में है, तो डायग्राम को मैं आपको दिखा दूंगा लेकिन पढ़ाऊंगा अगले टर्न पे। ये देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन है, एक्चुअली दिख रहा है आपको, ओहो कमेंट की क्या जरूरत मेरे पास ही रह गया कमेंट करना है आप। ठीक है, तो ये ये देख रहे हो, ये पूरा हाथ तो दिखा दिया गया था। ठीक है, देखो ये पूरी लाइफ साइकिल बताई गई। ठीक है, जैसे आपको बताया स्लाइवरी ग्लैंड मैच्योर इन्फेक्टिव स्टेज, इसको बोलते हैं स्पोरोजॉइट। क्या बोलते हैं? स्पोरोजॉइट। यहाँ बताया कि स्पोरोजाइट एस्केप फ्रॉम गट एंड माइग्रेट टू द मॉस्किटो सलाइवरी ग्लैंड। कहाँ चला गया? मॉस्किटो के सलाइवरी ग्लैंड। ये पूरा सलाइवरी ग्लैंड दिखाया गया, यहाँ से निकल रहा है स्पोरोजाइट। अब कहें जब कोई मॉस्किटो दूसरे को काटेगा, देखो यहाँ स्पोरोजाइट कहाँ चला गया, मच्छर का काट रही उसके अंदर चला गया यहाँ पूरा। और यहाँ करने के बाद ब्लड सर्कुलेशन से कहाँ से हो जाएंगे? लीवर में, लीवर को डैमेज कर, कुछ लीवर में कुछ वहाँ से फिर निकलेंगे। निकलने के बाद किसको करेंगे? आरबीसी को रक्षा करेंगे। यहाँ देखो आरबीसी में अटैक कर दी, अटैक करने के बाद आर ये क्या हो गया? रप्चर हो गया। रप्चर होकर क्या निकलेगा? हिमोजॉइन। क्या निकलेगा? हिमोजॉइन। हिमोजॉइन होने के बाद क्या होता है? चिल और फीवर आता है। इसमें जो बाकी जो इन्फेक्टिव एजेंट होते हैं वो दूसरे आरबीसी को रप्चर करेंगे, और कुछ होते हैं जो आगे बढ़ते हैं, यहाँ देखो इसी से यहाँ देखो निकल रहा है। इसके बाद इसी आरबीसी से अंदर बनता है क्या? गैमेटोसाइट। क्या बनता है? गैमेटोसाइट। गैमेटोसाइट बेसिकली क्या है? ये गैमेट है। क्या है? गैमेट है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट। तो अगर आपसे पूछे गैमेटोसाइट का फॉर्मेशन कहाँ होता है तो क्या बताओगे? ह्यूमन होस्ट। किसमें? ह्यूमन की बात करते हैं। अब देखो यहाँ, यहाँ होने के बाद ये क्या होगा आगे चल के? ये फिर से अगर कोई फीमेल आई फिर काटी तो गैमेटोसाइट उसकी बॉडी के अंदर चला जाएगा, गैमेट चले जाएंगे उसकी बॉडी के अंदर, गैमेट चले जाएंगे। लेकिन फ्यूजन कहाँ होगा? मॉस्किटो के अंदर फ्यूजन होगा, फिर जायगोट बनेगा, जायगोट के बाद फिर सारी कहानी चलते रहती है। इसमें कई सारे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम। ठीक है, इंपॉर्टेंट तो पूछ सकता है। ठीक है, थैंक यू।